कोट चक्र का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, अब मैं कोट चक्र का वर्णन करता हूँ। पहले चतुर्भुज लिखें, उसके भीतर दूसरा चतुर्भुज, उसके भीतर तीसरा चतुर्भुज और उसके भीतर चौथा चतुर्भुज लिखें। इस तरह लिख देने पर कोट चक्र बन जाता है। कोट चक्र के भीतर तीन मेखलाएं होती हैं, जिनका नाम क्रम से प्रथम नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी है। कोट चक्र के ऊपर पूर्वादि दिशाओं को लिखकर मेषादि राशियों को भी लिख देना चाहिए। कोट चक्र में नक्षत्रों का न्यास कहते हैं। पूर्व भाग में कृतिका, अग्नि कोण में अश्लेषा, दक्षिण में मघा, नेत्रत्य में विशाखा, पश्चिम में अनुराधा, वायु कोण में श्रवण, उत्तर में धनिष्ठा, ईशान में भरणी को लिखें। इस तरह लिख देने पर बाह्य नाड़ी में अर्थात प्रथम नाड़ी में 8 नक्षत्र हो जाएंगे। इसी तरह पूर्वादि दिशाओं के अनुसार रोहिणी, पुष्य, पूर्वा फागुनी, स्वाति, ज्येष्ठा, अभिजित, षटभिषा, अश्विनी, ये 8 नक्षत्र मध्य नाड़ी में हो जाते हैं। कोट के भीतर जो अंत नाड़ी है उसमें भी पूर्वादि दिशाओं के अनुसार पूर्व में मृगशिरा, अग्नि कोण में पुनर्वसु, दक्षिण में उत्तरा फागुनी, नेतृत्व में चित्रा, पश्चिम में मूल, वायव्य में उत्तराषाढ़ा, उत्तर में पूर्वा भाद्रपदा और ईशान में रेवती को लिखें। इस तरह लिख देने पर अंत नाड़ी में भी 8 नक्षत्र हो जाते हैं। आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढ़ा तथा उत्तरा भाद्रपदा, ये 4 नक्षत्र कोट चक्र के मध्य में स्तंभ होते हैं। इस तरह चक्र को लिख देने पर बाहर का स्थान दिशा के स्वामियों का होता है। आगंतुक योद्धा जिस दिशा में जो नक्षत्र है उसी नक्षत्र में उसी दिशा से कोट में यदि प्रवेश करता है तो उसकी विजय होती है। कोट के बीच में जो नक्षत्र है उन नक्षत्रों में जब शुभ ग्रह आए तब युद्ध करने से मध्य वाले की विजय तथा चढ़ाई करने वाले की पराजय होती है। प्रवेश करने वाले नक्षत्र में प्रवेश करना तथा निर्गम वाले नक्षत्र में निकलना चाहिए। शुक्र, मंगल और बुध ये जब नक्षत्र के अंत में रहें, तब यदि युद्ध आरंभ किया जाए तो आक्रमणकारी की पराजय होती है। प्रवेश वाले 4 नक्षत्रों में यदि युद्ध छेड़ा जाए तो वह दुर्ग वश में हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विशेष, प्रथम नाड़ी के 8 नक्षत्र दिशा के नक्षत्र हैं, उन्हीं को बाह्य भी कहते हैं। मध्य तथा अंत नाड़ी वाले नक्षत्रों को कोट के मध्य का समझना चाहिए। 129वां अध्याय, अर्घ कांड का प्रतिपादन। शंकर जी कहते हैं, अब मैं वस्तुओं की महंगी तथा सस्ती के संबंध में विचार प्रकट कर रहा हूँ। जब कभी भूतल पर उल्कापात, भूकंप, निर्घात, वज्रपात, चंद्र और सूर्य के ग्रहण तथा दिशाओं में अधिक गर्मी का अनुभव हो तो इस बात का प्रत्येक पास में लक्ष्य करना चाहिए। यदि उपर्युक्त लक्षणों में से कोई लक्षण चैत्र में हो तो अलंकार सामग्रियों में सोना चांदी आदि का संग्रह करना चाहिए। वह 6 मास के बाद चौगुने मूल्य पर बिक सकता है। यदि वैशाख में हो तो वस्त्र, धान्य, सुवर्ण, घृत आदि सब पदार्थों का संग्रह करना चाहिए। वे 8वें मास में 6 गुने मूल्य पर बिकते हैं। यदि ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में मिले तो जौ, गेहूं और धान्य का संग्रह करना चाहिए। यदि श्रावण में मिले तो घृत, तेलादि रस पदार्थों का संग्रह करना चाहिए। यदि आश्विन में मिले तो वस्त्र तथा धान्य दोनों का संग्रह करना चाहिए। यदि कार्तिक में मिले तो सब प्रकार का अन्न खरीद कर रखना चाहिए। अगहन तथा पौष में यदि मिले तो कुंकुम तथा सुगंधित पदार्थों से लाभ होता है। माघ में यदि उक्त लक्षण मिले तो धान्य से लाभ होता है। फागुन में मिले तो सुगंधित पदार्थों से लाभ होता है। लाभ की अवधि 6 या 8 मास समझनी चाहिए। विविध मंडलों का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, भद्रे, अब मैं विजय के लिए 4 प्रकार के मंडल का वर्णन करता हूँ, कृतिका, मघा, पुष्य, पूर्वा फागुनी, विशाखा, भरणी, पूर्वा भाद्रपदा। इन नक्षत्रों का आग्नेय मंडल होता है, उसका लक्षण बतलाती हूँ। इस मंडल में यदि विशेष वायु का प्रकोप हो, सूर्य चंद्र का परिवेश लगे, भूकंप हो, देश की क्षति हो, चंद्र सूर्य का ग्रहण हो, धूम ज्वाला देखने में आए, दिशाओं में दाह का अनुभव होता हो, केतु अर्थात पुच्छल तारा दिखाई पड़ता हो, रक्त वृष्टि हो, अधिक गर्मी का अनुभव हो, पत्थर पड़े तो जनता में नेत्र का रोग,
अतिसार, हैजा और अग्नि भय होता है। गायें दूध कम कर देती हैं। वृक्षों में फल पुष्प कम लगते हैं। उपज कम होती है। वर्षा भी स्वल्प होती है। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र दुखी रहते हैं। सारे मनुष्य भूख से व्याकुल रहते हैं। ऐसे उत्पातों के दीख पड़ने पर सिंध यमुना की तलहटी, गुजरात, भोज, बहलीक, जालंधर, कश्मीर और सातवां उत्तरापद, ये देश विनष्ट हो जाते हैं। हस्त, चित्रा, मघा, स्वाति, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरा फागुनी, अश्विनी, इन नक्षत्रों का वायव्य मंडल कहा जाता है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हो तो विक्षिप्त होकर हाहाकार करती हुई सारी प्रजाएं नष्ट प्राय हो जाती हैं। साथ ही दाहल, त्रिपुर, कामरूप, कलिंग, कौशल, अयोध्या, उज्जैन, कोंकण तथा आंध्र, ये देश नष्ट हो जाते हैं। आश्लेषा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, रेवती, शतभिषा तथा उत्तरा भाद्रपदा, इन नक्षत्रों को वारुण मंडल कहते हैं। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हो तो गायों में दूध घी की वृद्धि और वृक्षों में पुष्प तथा फल अधिक लगते हैं। प्रजा आरोग्य रहती है। पृथ्वी धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। अन्नों का अभाव सस्ता तथा देश में सुकाल का प्रसार हो जाता है। किंतु राजाओं में परस्पर घोर संग्राम होता रहता है। ज्येष्ठा, रोहिणी, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, सातवां अभिजीत, इन नक्षत्रों का नाम महेंद्र मंडल है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हो तो प्रजा प्रसन्न रहती है। किसी प्रकार के रोग का भय नहीं रह जाता। राजा लोग आपस में संधि कर लेते हैं और राजाओं के लिए हितकारक सुभिक्ष होता है। ग्राम दो प्रकार का होता है। पहले का नाम मुख ग्राम है तथा दूसरे का नाम पुच्छ ग्राम है। चंद्र, राहु तथा सूर्य जब एक राशि में हो जाते हैं तो उसे मुख ग्राम कहते हैं। राहु से सातवें स्थान को पुच्छ ग्राम कहते हैं। सूर्य के नक्षत्र से 15वें नक्षत्र में जब चंद्रमा आता है उस समय तिथि साधन के अनुसार सोम ग्राम होता है, अर्थात पूर्णिमा तिथि होती है। घात चक्र आदि का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, पूर्वादि दिशाओं में प्रदक्षिण क्रम से अकारादि स्वरों को लिखें। उसमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, केवल शुक्ल पक्ष की एक अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी नहीं, सप्तमी, कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक, अष्टमी को छोड़कर द्वादश तिथियों का न्यास करें। इस चैत्र चक्र में पूर्वादि दिशाओं में स्पर्श वर्णों को लिखने से जय पराजय का तथा लाभ का निर्णय होता है। विषम दिशा, विषम स्वर तथा विषम वर्ण में शुभ होता है और सम दिशा में आदि में अशुभ होता है। अब युद्ध में जय पराजय का लक्षण बतलाते हैं। युद्धारंभ के समय सेनापति पहले जिसका नाम लेकर बुलाता है उस व्यक्ति के नाम का आदि अक्षर यदि दीर्घ हो तो उसकी घोर संग्राम में भी विजय होती है। यदि नाम का आदि वर्ण रस हो तो निश्चय ही मृत्यु होती है। जैसे एक सैनिक का नाम आदित्य और दूसरे का नाम है गुरु। इन दोनों में प्रथम के नाम के आदि में आ दीर्घ स्वर है और दूसरे के नाम के आदि में उ ह्रस्व स्वर है। अतः यदि दीर्घ स्वर वाले व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो विजय और ह्रस्व वाले को बुलाने पर हार तथा मृत्यु होगी। अब नर चक्र के द्वारा घातांक का निर्णय करते हैं। नक्षत्र पिंड के आधार पर नर चक्र का वर्णन करती हूँ। पहले एक मनुष्य का आकार बनावे, तत्पश्चात उसमें नक्षत्रों का न्यास करें। सूर्य के नक्षत्र से नाम के नक्षत्र तक गिनकर संख्या जान ले। पहले तीन को नर के सिर में, एक मुख में, दो नेत्र में, चार हाथ में, दो कान में, पांच हृदय में और छह पैरों में लिखें। फिर नाम नक्षत्र का स्पष्ट रूप से चक्र के मध्य में न्यास करें। इस तरह लिखने पर नर के नेत्र, सिर, दाहिना कान, दाहिना हाथ, दोनों पैर, हृदय, ग्रीवा, बायां हाथ और गुह्यांग में से जहाँ शनि, मंगल, सूर्य तथा राहु के नक्षत्र पड़ते हो युद्ध में उसी अंग में घात होता है। अब जय चक्र का निर्णय करते हैं। पूर्व से पश्चिम तक 13 रेखाएं बनाकर पुनः उत्तर से दक्षिण तक 6 तिरछी रेखाएं खींचे। इस तरह लिखने पर जय चक्र बन जाएगा। उसमें अ से ह तक अक्षरों को लिखे और 10, 9,
सात, बारह, चार, ग्यारह, पंद्रह, चौबीस, अठारह, चार, सत्ताईस, चौबीस, इन अंकों का भी न्यास करें। अंकों को ऊपर लिखकर अकारादीन अक्षरों को उसके नीचे लिखें। शत्रु के नामाक्षर के स्वर तथा व्यंजन वर्ण के सामने जो अंक हों, उन सबको जोड़कर पिंड बनाएं। उसमें सात से भाग देने पर एक आदि शेष के अनुसार सूर्यादि ग्रहों का भाग जाने। एक शेष में सूर्य, दो में चंद्र, तीन में भौम, चार में बुध, पांच में गुरु, छह में शुक्र, सात में शनि का भाग होता है, यूं समझना चाहिए। अब सूर्य, शनि और मंगल का भाग आए तो विजय होती है तथा शुभ ग्रह के भाग में संधि होती है। उदाहरण, जैसे किसी का नाम देवदत्त है, इस नाम के अक्षरों तथा ए स्वर के अनुसार अंक क्रम से 18 जमा 4 जमा 24 जमा 18 जमा 15 बराबर है 79, इसका योग हुआ, इसमें 7 का भाग दिया, 79/7 बराबर है 11 लब्धि तथा 2 शेष हुआ। शेष के अनुसार सूर्य से गिनने पर चंद्र का भाग हुआ, अतः संधि होगी। इससे यह निश्चय हुआ कि देवदत्त नाम का व्यक्ति संग्राम में कभी पराजित नहीं हो सकता। इसी तरह और नाम के अक्षर तथा मात्रा के अनुसार जय पराजय का ज्ञान करना चाहिए। अब द्वितीय जय चक्र का निर्णय करते हैं। पूर्व से पश्चिम तक 12 रेखाएं लिखें और 6 रेखाएं याम्योत्तर करके लिखी जाएं। इस तरह यह जय चक्र बन जाएगा। उसके सर्वप्रथम ऊपर वाले कोष्ठ में 14, 27, 2, 12, 15, 6, 4, 3, 17, 8, 8 इन अंकों को लिखें और कोष्ठों में अकार आदि स्वरों से लेकर ह तक के अक्षरों का क्रमशः न्यास करें। तत्पश्चात नाम के अक्षरों द्वारा बने हुए पिंड में 8 से भाग दें तो एक आदि शेष के अनुसार वायस, मंडल, रासभ, वृषभ, कुंजर, सिंह, खर, धूम्र, ये 8 शेषों के नाम होते हैं। इसमें वायस से प्रबल मंडल और मंडल से प्रबल रासभ, यो उत्तरोत्तर बलि जानना चाहिए। संग्राम में याई और स्थाई के नामाक्षर के अनुसार मंडल बनाकर एक दूसरे से बलि तथा दुर्बल का ज्ञान करना चाहिए। उदाहरण, जैसे याई रामचंद्र तथा स्थाई रावण, इन दोनों में से कौन बलि है ये जानना है। अतः रामचंद्र के अक्षर तथा स्वर के अनुसार र 15, आ 27, म 2, अ 14, च 3, अ 14, न 17, द 4, र 15, अ 14, इनका योग 125 हुआ। इसमें 8 का भाग दिया तो शेष 5 रहा तथा रावण के अक्षर और स्वर के अनुसार र 15, आ 27, व 4, अ 14, न 17, अ 14, इनका योग हुआ 91। इसमें 8 से भाग देने पर 3 शेष हुआ, 3 शेष से 5 बलि है, अतः रामचंद्र रावण के संग्राम में रामचंद्र ही बलि हो रहे हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में घात चक्रों का वर्णन नामक 131वां अध्याय पूरा हुआ। सेवा चक्र आदि का निरूपण। शंकर जी कहते हैं, अब मैं सेवा चक्र का प्रतिपादन कर रहा हूँ, जिससे सेवक को सेवे से लाभ तथा हानि का ज्ञान होता है। पिता, माता तथा भाई एवं स्त्री पुरुष, इन लोगों के लिए इसका विचार विशेष रूप से करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किससे लाभ प्राप्त कर सकेगा, इसका ज्ञान वह उस सेवा चक्र से कर सकता है। सेवा चक्र का स्वरूप वर्णन करते हैं। पूर्व से पश्चिम को 6 रेखाएं और उत्तर से दक्षिण को 8 तिरछी रेखाएं खींचे। इस तरह लिखने पर 35 कोष्ठ का सेवा चक्र बन जाएगा। उसमें ऊपर के कोष्ठों में 5 स्वरों को लिखकर पुनः स्पर्श वर्णों को लिखें, अर्थात क से लेकर ह तक के वर्णों का न्यास करें। उसमें 3 वर्णों ण, ण, ण को छोड़कर लिखें। नीचे वाले कोष्ठों में क्रम से सिद्ध, साध्य,
सुसिद्ध, शत्रु तथा मृत्यु इनको लिखें। इस तरह लिखने पर सेवा चक्र सर्वांग संपन्न हो जाता है। इस चक्र में शत्रु तथा मृत्यु नाम के कोष्ठ में जो स्वर तथा अक्षर हैं, उनका प्रत्येक कार्य में त्याग कर देना चाहिए, किंतु सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, शत्रु तथा मृत्यु नाम वाले कोष्ठों में से किसी एक ही कोष्ठ में यदि सेव्य और सेवक के नाम का आदि अक्षर पड़े तो वह सर्वथा शुभ है। इसमें द्वितीय कोष्ठ पोषक है, तृतीय कोष्ठ धनदायक है, चौथा कोष्ठ आत्मनाशक है, पांचवा कोष्ठ मृत्यु देने वाला है। इस चक्र से मित्र, नौकर एवं बांधव से लाभ की प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए, अर्थात हम किससे मित्रता का व्यवहार करें कि मुझे उससे लाभ हो, तथा किसको नौकर रखें जिससे लाभ हो, एवं परिवार के किस व्यक्ति से मुझे लाभ होगा, इसका विचार इस चक्र से करें। जैसे अपने नाम का आदि अक्षर तथा विचारणीय व्यक्ति के नाम का आदि अक्षर सेवा चक्र के किसी एक ही कोष्टक में पड़ जाए तो वह शुभ है, अर्थात उस व्यक्ति से लाभ होगा, ये जाने। यदि पहले वाले तीन कोष्टकों में से किसी एक में अपने नाम का आदि वर्ण पहले वाले तीन कोष्टों में से किसी एक में पड़े और विचारणीय व्यक्ति के नाम का आदि अक्षर चौथे तथा पांचवे में पड़े तो अशुभ होता है। चौथे तथा पांचवे कोष्टों में किसी एक में सेव्य के तथा दूसरे में सेवक के नाम का आदि वर्ण पड़े तो अशुभ ही होता है। अब अकारादि वर्णों तथा ताराओं के द्वारा सेव्य सेवक का विचार कर रहे हैं। अ वर्ग, अ, ई, उ, ए, ओ का स्वामी देवता है। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ण का स्वामी दैत्य है। च वर्ग, च, छ, ज, झ, न का स्वामी नाग है। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण का स्वामी गंधर्व है। त वर्ग, त, थ, द, ध, न का स्वामी ऋषि है। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म का स्वामी राक्षस है। य वर्ग, य, र, ल, व का स्वामी पिशाच है। श वर्ग, श, क्ष, स, ह का स्वामी मनुष्य है। इनमें देवता से बलि दैत्य है, दैत्य से बलि सर्प है, सर्प से बलि गंधर्व है, गंधर्व से बलि ऋषि है, ऋषि से बलि राक्षस है, राक्षस से बलि पिशाच है, और पिशाच से बलि मनुष्य होता है। इसमें बलि दुर्बल का त्याग करें, अर्थात सेव्य सेवक, इन दोनों के नामों के आदि अक्षर के द्वारा बलि वर्ग तथा दुर्बल वर्ग के ज्ञान करके बलि वर्ग वाले दुर्बल वर्ग वाले से व्यवहार ना करें। एक ही वर्ग के सेव्य तथा सेवक के नाम का आदि वर्ण रहना उत्तम होता है। अब मैत्री विभाग संबंधी तारा चक्र को सुनो। पहले नाम के प्रथम अक्षर के द्वारा नक्षत्र जान ले, फिर नौ ताराओं की तीन बार आवृत्ति करने पर 27 नक्षत्रों की ताराओं का ज्ञान हो जाएगा। इस तरह अपने नाम के नक्षत्र का तारा जान ले। एक जन्म, दो संपत, तीन विपत, चार क्षेम, पांच प्रत्यरी, छह साधक, सात वध, आठ मैत्र, नौ अति मैत्र, ये नौ ताराएं हैं। इनमें जन्म तारा अशुभ, संपत तारा अति उत्तम और विपत तारा निष्फल होती है। क्षेम तारा को प्रत्येक कार्य में लेना चाहिए। प्रत्यरी तारा से धन क्षति होती है। साधक तारा से राज्य लाभ होता है। वध तारा से कार्य का विनाश होता है। मैत्र तारा मैत्री कारक है और अति मैत्र तारा हित कारक होती है। विशेष प्रयोजन, जैसे सेव्य रामचंद्र, सेवक हनुमान, इन दोनों में भाव कैसा रहेगा, इसे जानने के लिए हनुमान के नाम के आदि वर्ण ह के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र हुआ तथा राम नाम के आदि वर्ण रा के अनुसार नक्षत्र चित्रा हुआ। पुनर्वसु से चित्रा की संख्या आठवीं हुई। इस संख्या के अनुसार मैत्र नामक तारा हुई, अतः इन दोनों की मैत्री परस्पर कल्याण कर होगी, यो जानना चाहिए। अब तारा चक्र कहते हैं। प्रिय, नामाक्षरों के स्वरों की संख्या में वर्णों की संख्या जोड़ दें, उसमें 20 का भाग दें, शेष से फल को जाने, अर्थात स्वल्प शेष वाला व्यक्ति अधिक शेष वाले व्यक्ति से लाभ उठाता है, जैसे सेव्य राम तथा सेवक हनुमान।
इनमें सेवियर राम के नाम का र दो, आ दो, म पांच, अ एक, सबका योग 10 हुआ। इसमें 20 से भाग दिया तो शेष 10 सेवियर का हुआ तथा सेवक हनुमान के नाम का ह चार, अ एक, न पांच, उ पांच, म पांच, आ दो, न पांच, सबका योग 27 हुआ। इसमें 20 का भाग दिया तो शेष 7 सेवक का हुआ। यहाँ पर सेवक के शेष से सेवियर का शेष अधिक हो रहा है, अतः हनुमान जी राम जी से पूर्ण लाभ उठाएंगे ऐसा ज्ञान होता है। अब नामाक्षरों में स्वरों की संख्या के अनुसार लाभ हानि का विचार करते हैं। सेव्य सेवक दोनों के बीच जिनके नामाक्षरों में अधिक स्वर हो वह धनी है तथा जिसके नामाक्षरों में अल्प स्वर हो वह ऋणी है। धन स्वर मित्रता के लिए तथा ऋण स्वर दासता के लिए होता है। इस प्रकार लाभ तथा हानि की जानकारी के लिए सेवा चक्र कहा गया। मेष मिथुन राशि वालों में प्रीति, मिथुन सिंह राशि वालों में मैत्री तथा तुला सिंह राशि वालों में महामैत्री होती है, किंतु धनु कुंभ राशि वालों में मैत्री नहीं होती, अतः इन दोनों को परस्पर सेवा नहीं करनी चाहिए। मीन वृष, वृष कर्क, कर्क कुंभ, कन्या वृश्चिक, मकर वृश्चिक, मीन मकर राशि वालों में मैत्री तथा मिथुन कुंभ, तुला मेष राशि वालों की परस्पर महामैत्री होती है। वृष वृश्चिक में परस्पर वैर होता है। मिथुन धनु, कर्क मकर, मकर कुंभ, कन्या मीन राशि वालों में परस्पर प्रीति रहती है, अर्थात उपर्युक्त दोनों राशि वालों में सेव्य सेवक भाव तथा मैत्री व्यवहार एवं कन्या वर का संबंध सुंदर तथा शुभ प्रद होता है। नाना प्रकार के बलों का विचार। शंकर जी कहते हैं, अब सूर्यादि ग्रहों की राशियों में पैदा हुए नवजात शिशु का जन्म फल क्षेत्राधिप के अनुसार वर्णन करूंगा। सूर्य के ग्रह में अर्थात सिंह लग्न में उत्पन्न बालक समकाय, कभी कृशांग, कभी स्थूलांग, गौरवर्ण, पित्त प्रकृति, लाल नेत्रों वाला, गुणवान तथा वीर होता है। चंद्र के ग्रह में अर्थात कर्क लग्न का जातक भाग्यवान तथा कोमल शरीर वाला होता है। मंगल के ग्रह में अर्थात मेष तथा वृश्चिक लग्नों का जातक वात रोगी तथा अत्यंत लोभी होता है। बुध के ग्रह में अर्थात मिथुन तथा कन्या लग्नों का जातक बुद्धिमान, सुंदर तथा मानी होता है। गुरु के ग्रह में अर्थात धनु तथा मीन लग्नों का जातक सुंदर और अत्यंत क्रोधी होता है। शुक्र के ग्रह में अर्थात तुला तथा वृष लग्नों का जातक त्यागी, भोगी एवं सुंदर शरीर वाला होता है। शनि के ग्रह में अर्थात मकर तथा कुंभ लग्नों का जातक बुद्धिमान, सुंदर तथा मानी होता है। सौम्य लग्न का जातक सौम्य स्वभाव का तथा क्रूर लग्न का जातक क्रूर स्वभाव का होता है। गौरी, अब नाम राशि के अनुसार सूर्यादि ग्रहों का दशा फल कहता हूँ। सूर्य की दशा में हाथी, घोड़ा, धन धान्य, प्रबल राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति तथा धनागम होता है। चंद्रमा की दशा में दिव्य स्त्री की प्राप्ति होती है। मंगल की दशा में भूमि लाभ और सुख होता है। बुध की दशा में भूमि लाभ के साथ धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। गुरु की दशा में घोड़ा, हाथी तथा धन मिलता है। शुक्र की दशा में खाद्यान्न तथा गो दुग्धादि पान के साथ धन का लाभ होता है। शनि की दशा में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। राहु का दर्शन होने पर अर्थात ग्रहण लगने पर निश्चित स्थान पर निवास, दिन में ध्यान और व्यापार का काम करना चाहिए। यदि वाम श्वास चलते समय नाम का अक्षर विषम संख्या का हो तो वह समय मंगल, शनि तथा राहु का रहता है, उसमें युद्ध करने से विजय होती है। दक्षिण श्वास चलते समय यदि नाम का अक्षर सम संख्या का हो तो वह समय सूर्य का रहता है, उसमें व्यापार कार्य निष्फल होता है, किंतु उस समय पैदल संग्राम करने से विजय होती है और सवारी पर चढ़कर युद्ध करने से मृत्यु होती है। ओम हूँ, ओम ह्यू, ओम स्फय, अस्त्रम मोटय, ओम चूर्णय, चूर्णय, ओम सर्व शत्रु मर्दय, मर्दय, ओम ह्यू, ओम ह्य फट। इस मंत्र का 7 बार न्यास करना चाहिए।
फिर जिनके 4, 10 तथा 20 भुजाएं हैं, जो हाथों में त्रिशूल, खटवांग, खड़क और कटार धारण किए हुए हैं, तथा जो अपनी सेना से विमुख और शत्रु सेना का भक्षण करने वाले हैं, उन भैरव जी का अपने हृदय में ध्यान करके शत्रु सेना के सम्मुख उक्त मंत्र का 108 बार जप करें। जप के पश्चात डमरू का शब्द करने से शत्रु सेना शस्त्र त्याग कर भाग खड़ी होती है। पुनः शत्रु सेना की पराजय का अन्य प्रयोग बतलाता हूँ। शमशान के कोयले को काक या उल्लू की विष्ठा में मिलाकर उसी से कपड़े पर शत्रु की प्रतिमा लिखें और उसके सिर, मुख, ललाट, हृदय, गुह्य, पैर, पृष्ठ, बाहु और मध्य में शत्रु का नाम 9 बार लिखें। उस कपड़े को मोड़कर संग्राम के समय अपने पास रखने से तथा पूर्वोक्त मंत्र पढ़ने से विजय होती है। अब विजय प्राप्त करने के लिए त्रिमुखाक्षर तारक्ष्य चक्र को कहता हूँ। शिप ओम स्वाहा तारक्ष्य आत्मा शत्रु रोग विषादिनुत। इस मंत्र को तारक्ष्य चक्र कहते हैं। इसके अनुष्ठान से दुष्टों की बाधा, भूत बाधा एवं ग्रह बाधा तथा अनेक प्रकार के रोग निवृत्त हो जाते हैं। इस गरुड़ मंत्र से जैसा कार्य चाहे सब सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के साधक का दर्शन करने से स्थावर जंगम, लूता तथा कृत्रिम ये सभी विष्ट नष्ट हो जाते हैं। पुनः महताक्षर्य को यो ध्यान करना चाहिए। जिनकी आकृति मनुष्य की सी है, जो 2 पांख और 2 भुजा धारण करते हैं, जिनकी चोंच टेढ़ी है, जो सामर्थ्यशाली तथा हाथी और कछुए को पकड़ रखने वाले हैं, जिनके पंजों में असंख्य सर्प उलझे हुए हैं, जो आकाश मार्ग से आ रहे हैं और रणभूमि में शत्रुओं को खाते हुए नोच नोच कर निगल रहे हैं, कुछ शत्रु जिनकी चोंच से मारे हुए दिख रहे हैं, कुछ पंजों के आघात से चूर्ण हो गए हैं, किन्हीं का पंखों के प्रहार से कचूमर निकल गया है और कुछ नष्ट होकर 10 दिशाओं में भाग गए हैं। इस तरह जो साधक ध्यान निष्ठ होगा वे तीनों लोकों में अजय होकर रहेगा, अर्थात उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अब मंत्र साधन से सिद्ध होने वाली पिच्छिका क्रिया का वर्णन करता हूँ। ओम ह्रूम पक्षिं क्षेप ओम हूँ सह मा बल पराक्रम सर्व सैन्य भक्षय भक्षय ओम मर्दय मर्दय ओम चूर्णय चूर्णय ओम विद्रावय विद्रावय ओम हूँ खा ओम भैरवो यागपयति स्वाहा। इस पिच्छिका मंत्र को चंद्र ग्रहण में जप करके सिद्ध करने वाला साधक संग्राम में सेना के सम्मुख हाथी तथा सिंह को भी खदेड़ सकता है। मंत्र के ध्यान से उनके शब्दों का मर्दन कर सकता है तथा सिंहारूढ़ होकर मृग तथा बकरे के समान शत्रुओं को मार सकता है। दूर रहकर केवल मंत्रोच्चारण से शत्रु नाश का उपाय कह रहे हैं। काल रात्रि आश्विन शुक्ला अष्टमी में मृतकाओं को चरु प्रदान करें और शमशान की भस्म, मालती पुष्प, चामरी एवं कपास की जड़ के द्वारा दूर से शत्रु को संबोधित करें। संबोधित करने का मंत्र निम्नलिखित है। ओम अहे हे महेंद्री अहे महेंद्री भंज ही ओम जही मसानम ही खाही खाही किली किली ओम हूँ फट। इस भंग विद्या का जप करके दूर से ही शब्द करने से अपराजिता और धतूरे का रस मिलाकर तिलक करने से शत्रु का विनाश होता है। ओम किली किली विकली इच्छा किली भूत हनी शंखिनी उमे दंड हस्तय रौद्री माहेश्वरी उल्का मुखी ज्वाला मुखी शंकु कर्णे शुष्क जंगे अलम्बुषे हर हर सर्व दुष्टान खन खन ओम यन्मानी रीक्षयेद देवी तांस्तान मोहय ओम रुद्रस्य हृदय स्थिता रौद्री सौम्येन भावेन आत्मरक्षाम ततः कुरु स्वाहा। इस सर्व कार्यार्थ साधक मंत्र को भोजपत्र पर वृताकार लिखकर 12 में मृतकाओं को लिखें। इस विद्या को पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र ने हाथ आदि में धारण किया था तथा इस विद्या द्वारा बृहस्पति ने देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की थी। अब रक्षा यंत्र का वर्णन करते हैं। रक्षा रूपिणी नारसिंही, शक्ति रूपा भैरवी तथा त्रैलोक्य मोहिनी गौरी ने भी देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की थी। अष्ट दल कमल की कर्णिका तथा दलों में गौरी के बीज ह्री मंत्र से संपुटित अपना नाम लिखते।
पूर्व दिशा में रहने वाले प्रथम आदि दलों में पूजा के अनुसार गौरी जी की अंग देवताओं का न्यास करें, इस तरह लिखने पर शुभ रक्षा यंत्र बन जाएगा। अब इन्हीं संस्कारों के बीच मृत्युंजय मंत्र को कहता हूँ, जो सब कलाओं में परिवेष्टित है, अर्थात उस मंत्र से प्रत्येक कार्य का साधन हो सकता है तथा जो सकार से प्रबोधित होता है। मंत्र का स्वरूप कहते हैं, ओमकार पहले लिखकर फिर बिंदु के साथ जकार लिखे, पुनः धकार के पेट में वकार को लिखे, उसे चंद्र बिंदु से अंकित करें, अर्थात ओम जम ध्वम। यह मंत्र सभी दुष्टों का विनाश करने वाला है। दूसरे रक्षा यंत्र का उद्धार कहते हैं, गोरोचन कुमकुम से अथवा मलयागिरी चंदन कर्पूर से भोजपत्र पर लिखे हुए चतुर्दल कमल की कर्णिका में अपना नाम लिखकर चारों दलों में ओंकार लिखें, आग्नेय आदि कोणों में हुंकार लिखें, उसके ऊपर षोडश दलों का कमल बनाएं, उसके दलों में अकार आदि षोडश स्वरों को लिखें, फिर उसके ऊपर 34 दलों का कमल बनाएं, उसके दलों में क से लेकर क्ष तक अक्षरों को लिखें, उस यंत्र को श्वेत सूत्र से वेष्टित करके रेशमी वस्त्र से आच्छादित कर कलश पर स्थापन करके उसका पूजन करें। इस यंत्र को धारण करने से सभी रोग शांत होते हैं एवं शत्रुओं का विनाश होता है। अब भेलखी विद्या को कह रहा हूँ, जो वियोग में होने वाली मृत्यु से बचाती है। उसका मंत्र स्वरूप निम्नलिखित है, ओम वातले वितले विडाल मुखी इंद्रपुरी उद्धवो वायु देवेन खिली आजी हाजा मई वाह इहा दिदु खनित्य कंठोच्च मुहूर्त अन्व्या एह माम यस महु पाडी ओम भेलखी ओम स्वाहा। नवरात्र के अवसर पर इस मंत्र को सिद्ध करके संग्राम के समय 7 बार मंत्र जप करने पर शत्रु का मुख स्तंभन होता है। ओम चंडी ओम हूँ फट स्वाहा। इस मंत्र को संग्राम के अवसर पर 7 बार जपने से खड़क युद्ध में विजय होती है। त्रैलोक्य विजया विद्या। भगवान महेश्वर कहते हैं, देवी अब मैं समस्त यंत्र मंत्रों को नष्ट करने वाली त्रैलोक्य विजया विद्या का वर्णन करता हूँ। ओम ह्रूम क्षूम ह्रूम ओम। बड़ी बड़ी दाढ़ों से जिनकी आकृति अत्यंत भयंकर है, उन महोग्र रूपिणी भगवती को नमस्कार है। वे रणांगन में स्वेच्छा पूर्वक क्रीड़ा करें, क्रीड़ा करें। लाल नेत्रों वाली किलकारी कीजिए, किलकारी कीजिए। भीमनादिनी कुलु ओम विद्युज्वेह कुलु ओम मास हीने। शत्रुओं को आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। भुजंग मालिनी वस्त्राभूषणों से अलंकृत होइए, अलंकृत होइए। शवमाला विभूषिते शत्रुओं को खदेड़िए। ओम शत्रुओं के रक्त से सने हुए चमड़े के वस्त्र धारण करने वाली महाभयंकरी अपना मुख खोलिए। ओम नित्य मुद्रा में तलवार धारण करने वाली टेढ़ी भौहों से युक्त तिरछे नेत्रों से देखने वाली विषम नेत्रों से विकृत मुख वाली आपने अपने अंगों में मज्जा और मेदा लपेट रखा है। ओम अट्ठहास कीजिए, अट्ठहास कीजिए। हसिए, हसिए। क्रुद्ध होइए, क्रुद्ध होइए। ओम नील मेघ के समान वर्ण वाली मेघमाला को आभरण रूप में धारण करने वाली विशेष रूप से प्रकाशित होइए। ओम घंटा की ध्वनि से शत्रुओं के शरीरों की धज्जियां उड़ा देने वाली ओम सिंसी स्थिते रक्त वर्णे ओम ह्रा ह्री ह्रूम रौद्र रूपे ह्रूम ह्रीम क्लीम ओम ह्रीम ह्रूम ओम शत्रुओं का आकर्षण कीजिए, उनको हिला डालिए, कपा डालिए। ओम हे ह ख वज्र हस्ते ह्रूम क्षूम क्षांग क्रोध रूपिणी प्रज्वलित होइए, प्रज्वलित होइए। ओम महाभयंकर को डराने वाली उनको चीर डालिए। ओम विशाल शरीर वाली देवी उनको काट डालिए। ओम कराल रूपे शत्रुओं को डराइए, डराइए। महाभयंकर भूतों की जननी समस्त दुष्टों का निवारण करने वाली जय ओम विजय ओम त्रैलोक्य विजय ह्रूम फट स्वाहा। विजय के उद्देश्य से नील वर्णा प्रेताधि रूढ़ा त्रैलोक्य विजया विद्या की 20 हाथ ऊंची प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करें।
पंचांग न्यास करके रक्त पुष्पों का हवन करें। इस त्रैलोक के विजया विद्या के पठन से समर भूमि में शत्रुओं की सेनाएं पलायन कर जाती हैं। ओम नमो बहु रूपाय स्तंभय स्तंभय ओम मोहय ओम सर्व शत्रुन रावय ओम ब्रह्मान मां कर्षय ओम विष्णु मां कर्षय ओम महेश्वरा मां कर्षय ओम इंद्र टालय ओम पर्वतांश चालय ओम तसब सागरा शोषय ओम छिंद छिंद बहुरूपाय नमः। ओम अनेक रूप को नमस्कार है। शत्रु का स्तंभन कीजिए स्तंभन कीजिए। ओम सम्मोहन कीजिए। ओम सब शत्रुओं को खदेड़ दीजिए। ओम ब्रह्मा का आकर्षण कीजिए। ओम विष्णु का आकर्षण कीजिए। ओम महेश्वर का आकर्षण कीजिए। ओम इंद्र को भयभीत कीजिए। ओम पर्वतों को विचलित कीजिए। ओम सातों समुद्रों को सुखा डालिए। ओम काट डालिए काट डालिए। अनेक रूप को नमस्कार है। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें शत्रु को स्थित हुआ जाने अर्थात उसमें शत्रु के स्थित होने की भावना करें। उस मूर्ति में स्थित शत्रु का नाम ही भुजंग है। ओम बहुरूपाय इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित करके उस शत्रु के नाश के लिए उक्त मंत्र का जप करें। इससे शत्रु का अंत हो जाता है। संग्राम विजय विद्या। महेश्वर कहते हैं, देवी अब मैं संग्राम में विजय दिलाने वाली विद्या मंत्र का वर्णन करता हूँ, जो पदमाला के रूप में है। ओम ह्री चामुंडे शमशान वासिनी खडवांग अंगे कपाल हस्ते महाप्रेत समारूढ़े महाविमान समाकुले काल रात्रि महागण परिव्रते महामुखे बहुभुजे घंटा डमरू किंकिणी हस्ते अट्टाटाहासे किली किली ओम हूं फट दृष्टांत घोरांत कारिणी नाद शब्द बहुले गज चर्म प्रावृत शरीरे मास दिग्दे लेली हानो ग्रज्जिवे महाराक्षसी रौद दृष्टांत कराले भीम अट्टाटाहासे स्फुर द्विद्वित प्रभे चल चल ओम चकोर नेत्रे चिली चिली ओम लल जिव्ये ओम भीम भ्रकुटी मुखी हुंकार भय त्रासिनी कपाल माला वेष्टित जटा मुकुट शशांक धारिणी अट्टाटाहा से किली किली ओम ह्रूम दृष्टांग घोरांध कारिणी सर्व विघ्न विनाशिनी इदम कर्म साधय साधय ओम शीघ्रम कुरु कुरु ओम फट ओम शंकुशेन शमय प्रवेशय ओम रंग रंग कंपय कंपय ओम चालय ओम रुधिर मास मध्य प्रिय हन हन ओम कुट कुट ओम छिंद ओम मारय ओम अनुक्रमय ओम वज्र शरीरम पातय ओम त्रैलोक्य गतम दुष्टम दुष्टम वा ग्रहीतम ग्रहीतम वा वेशय ओम नृत्य ओम वंद ओम करंक मार धारिणी दह ओम पच पच ओम गृह ओम मंडल मध्य प्रवेशय ओम किम विलंबसी ब्रह्म सत्येन विष्णु सत्येन रुद्र सत्येन ऋषि सत्येन वेशय ओम किली किली ओम खिली खिली विली विली ओम विकृत रूप धारिणी कृष्ण भुजंग वेष्टित शरीरे सर्वग्रह वेशिनी प्रलम्बोष्ठिनी भ्रू भंग लग्न नासिके विकट मुखी कपिल जटे ब्राह्मी भंज ओम ज्वालामुखी स्वन ओम पातय ओम रक्ताक्षी घूर्णय भूमि पातय ओम शिरु गृह चक्षुर मिलय ओम हस्त पादो गृह मुद्राम स्फोटय ओम फट ओम विदारय ओम त्रिशूलेन छदे ओम व्रजेन हन ओम दंडेन ताडय ताडय ओम चक्रेन छेदय छेदय ओम शक्त्या भेदय दृष्ट्या कीलय ओम कर्णिकया पाटय ओम ह्रीम चामुंडे देवी आप शमशान में वास करने वाली हैं। आपके हाथ में खडवांग और कपाल शोभा पाते हैं। आप महान प्रेत पर आरूढ़ हैं। आप बड़े बड़े विमानों से घिरी हुई हैं। आप ही कालरात्रि हैं। बड़े बड़े पार्षद गण आपको घेर कर खड़े हैं। आपका मुख विशाल है, भुजाएं बहुत हैं।
घंटा, डमरू और घुंघरू बजाकर विकट अट्टहास करने वाली देवी, क्रीड़ा कीजिए, क्रीड़ा कीजिए। ओम हूँ फट, आप अपनी दाढ़ों से घोर अंधकार प्रकट करने वाली हैं। आपका गंभीर घोष और शब्द अधिक मात्रा में अभिव्यक्त होता है। आपका विग्रह हाथी के चमड़े से ढका हुआ है। शत्रुओं के मांस से परिपुष्ट हुई देवी, आपकी भयानक जिह्वा लपलपा रही है। महाराक्षसी, भयंकर दाढ़ों के कारण आपकी आकृति बड़ी विकराल दिखाई देती है। आपका अट्टहास बड़ा भयानक है। आपकी कांति चमकती हुई बिजली के समान है। आप संग्राम में विजय दिलाने के लिए चलिए, चलिए। ओम चकोर नेत्रे, चकोर के समान नेत्रों वाली, चिली चिली। ओम लज्जव्यह, लपलपाती हुई जिह्वा वाली। ओम भीम, टेढ़ी भौहों से युक्त मुख वाली। आप हुंकार मात्र से ही भय और त्रास्त उत्पन्न करने वाली हैं। आप नरमुंडों की माला से वेष्टित जटा मुकुट में चंद्रमा को धारण करती हैं। विकट अट्टहास वाली देवी, किली किली, रणभूमि में क्रीड़ा करो, क्रीड़ा करो। ओम ह्रूम, दाढ़ों से घोर अंधकार प्रकट करने वाली और संपूर्ण विघ्नों को नाश करने वाली देवी, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करें, सिद्ध करें। ओम शीघ्र कीजिए, कीजिए। ओम फट, ओम अंकुश से शांत कीजिए, प्रवेश कराइए। ओम रक्त से रंगिए, रंगिए, कपाइए, कपाइए। ओम विचलित कीजिए। ओम रुधिर मांस मध्य प्रिय, शत्रुओं का हनन कीजिए, हनन कीजिए। ओम विपक्षी योद्धाओं को कूटिए, कूटिए। ओम काटिए, ओम मारिए, ओम उनका पीछा कीजिए। ओम वज्रतुल्य शरीर वाले को भी मार गिराइए। ओम त्रिलोकी में विद्यमान जो शत्रु हैं, वे दुष्ट हो या अदुष्ट, पकड़ा गया हो या नहीं, आप उसे आविष्ट कीजिए। ओम नृत्य कीजिए। ओम वंद, ओम कोटराक्षी, खोखले के समान नेत्र वाली, ऊर्ध्व केशी, ऊपर उठे हुए केशों वाली, उलूक वदने, उल्लू के समान मुंह वाली, हड्डियों की ठठरी या खोपड़ी धारण करने वाली, खोपड़ी की माला धारण करने वाली चामुंडे, आप शत्रुओं को जलाइए। ओम पकाइए, पकाइए। ओम पकड़िए। ओम मंडल के भीतर प्रवेश कराइए। ओम आप क्यों विलंब करती हैं? ब्रह्मा के सत्य से, विष्णु के सत्य से, रुद्र के सत्य से तथा ऋषियों के सत्य से आविष्ट कीजिए। ओम किली किली, ओम खिली खिली, विली विली। ओम विकृत रूप धारण करने वाली देवी, आपके शरीर में काले सर्प लिपटे हुए हैं। आप संपूर्ण ग्रहों को आविष्ट करने वाली हैं। आपके लंबे लंबे ओठ लटक रहे हैं। आपकी ठेढ़ी भौहें नासिका से लगी है। आपका मुख विकट है। आपकी जटा कपिल वर्ण की है। आप ब्रह्मा की शक्ति हैं। आप शत्रुओं को भंग कीजिए। ओम ज्वालामुखी, गर्जना कीजिए। ओम शत्रुओं को मार गिराइए। ओम लाल लाल आंखों वाली देवी, शत्रुओं को चक्कर कटाइए, उन्हें धाराशायी कीजिए। ओम शत्रुओं के सिर उतार लीजिए, उनकी आंखें बंद कर दीजिए। ओम उनके हाथ पैर ले लीजिए, अंग मुद्रा फोड़िए। ओम फट, ओम विदीर्ण कीजिए। ओम त्रिशूल से छेदिए। ओम वज्र से हनन कीजिए। ओम डंडे से पीटिए, पीटिए। ओम चक्र से छिन्न भिन्न कीजिए, छिन्न भिन्न कीजिए। ओम शक्ति से भेदन कीजिए, दाढ़ से कीलन कीजिए। ओम कतरनी से चीरिए। ओम अंकुश से ग्रहण कीजिए। ओम सिर के रोग और नेत्र की पीड़ा को, प्रतिदिन होने वाले ज्वर को, दो दिन पर होने वाले ज्वर को, तीन दिन पर होने वाले ज्वर को, चौथे दिन पर होने वाले ज्वर को, डाकिनियों को तथा कुमार ग्रहों को शत्रु सेना पर छोड़िए, छोड़िए। ओम उन्हें पकाइए। ओम शत्रुओं का उन्मूलन कीजिए। ओम उन्हें भूमि पर गिराइए। ओम उन्हें पकड़िए। ओम ब्रह्माणी आइए। ओम महेश्वरी आइए। ओम कौमारी आइए। ओम वैष्णवी आइए। ओम वाराही आइए। ओम इंद्री आइए। ओम चामुंडे आइए। ओम रेवती आइए। ओम आकाश रेवती आइए।
ओम हिमालय पर विचरने वाली देवी आइये। ओम रूरू मर्दिनी असुरक्षंकरी असुर विनाशिनी आकाश गामिनी देवी विरोधियों को पाश से बांधिए अंकुश से आच्छादित कीजिए अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहिए। ओम मंडल में प्रवेश कराइए। ओम शत्रुओं को पकड़िए और उसका मुख बांध दीजिए। ओम नेत्र बांध दीजिए, हाथ पैर भी बांध दीजिए। हमें सताने वाले समस्त दुष्ट ग्रहों को बांध दीजिए। ओम दिशाओं को बांधिए, ओम विदिशाओं को बांधिए, नीचे बांधिए, ओम सब ओर से बांधिए। ओम भस्म से, जल से, मिट्टी से तथा सरसों से सबको आविष्ट कीजिए। ओम नीचे गिराइए। ओम चामुंडे किली किली, ओम विच्चय हूँ फट स्वाहा। ये जया नामक पदमाला है जो समस्त कर्मों को सिद्ध करने वाली है। इसके द्वारा होम करने से तथा इसका जप एवं पाठ आदि करने से सदा ही युद्ध में विजय प्राप्त होती है। 28 भुजाओं से युक्त चामुंडा देवी का ध्यान करना चाहिए। उनके दो हाथों में तलवार और खेटक है, दूसरे दो हाथों में गदा और दंड है, अन्य दो हाथ धनुष और बाण धारण करते हैं, अन्य दो हाथ मुष्टि और मुद्गर से युक्त हैं, दूसरे दो हाथों में शंख और खड़क हैं, अन्य दो हाथों में ध्वज और वज्र हैं, दूसरे दो हाथ चक्र और परशु धारण करते हैं, अन्य दो हाथ डमरू और दर्पण से संपन्न हैं, दूसरे दो हाथ शक्ति और कुंद धारण करते हैं, अन्य दो हाथों में हल और मूसल है, दूसरे दो हाथ पाश और तोमर से युक्त हैं, अन्य दो हाथों में ढक्का और पणव हैं, दूसरे दो हाथ अभय की मुद्रा धारण करते हैं तथा शेष दो हाथों में मुष्टिक शोभा पाते हैं। वे महिषासुर को डांटती और उसका वध करती हैं। इस प्रकार ध्यान करके हवन करने से साधक शत्रुओं पर विजय पाता है। घी शहद और चीनी मिश्रित तिल से हवन करना चाहिए। इस संग्राम विजय विद्या का उपदेश जिस किसी को नहीं देना चाहिए, अधिकारी पुरुष को ही देना चाहिए। नक्षत्रों से त्रिनादी चक्र या फणीश्वर चक्र का वर्णन। महेश्वर कहते हैं, देवी अब मैं नक्षत्र संबंधी त्रिनादी चक्र का वर्णन करूंगा जो यात्रा आदि में फलदायक होता है। अश्विनी आदि नक्षत्रों में तीन नाड़ियों से भूषित चक्र अंकित करें। पहले अश्विनी, आर्द्रा और पुनर्वसु अंकित करें, फिर उत्तरा फागुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद इन नक्षत्रों को लिखें। ये प्रथम नाड़ी कही गई है। दूसरी नाड़ी इस प्रकार है, भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फागुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा तथा उत्तरा भाद्रपदा। तीसरी नाड़ी के नक्षत्र ये हैं, कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण तथा रेवती। इन तीन नाड़ियों के नक्षत्रों द्वारा सेवित ग्रह के अनुसार शुभाशुभ फल जानना चाहिए। इस त्रिनादी नामक चक्र को फणीश्वर चक्र कहा गया है। इस चक्रगत नक्षत्र पर यदि सूर्य, मंगल, शनिश्चर एवं राहु हो तो वह अशुभ होता है। इनके सिवा अन्य ग्रहों द्वारा अधिष्ठित होने पर वह नक्षत्र शुभ होता है। देश, ग्राम, भाई और भार्या आदि अपने नाम के आदि अक्षर के अनुसार एक नाड़ी चक्र में पड़ते हो तो वे शुभ कारक होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा तथा रेवती, ये 27 नक्षत्र यहाँ जानने योग्य हैं। महामारी विद्या का वर्णन। महेश्वर कहते हैं, देवी अब मैं महामारी विद्या का वर्णन करूंगा जो शत्रुओं का मर्दन करने वाली है।
ओम ह्रीम लाल नेत्रों तथा काले रंग वाली महामारी, तुम यमराज की आज्ञाकारिणी हो, समस्त भूतों का संहार करने वाली हो, मेरे अमुक शत्रु का हनन करो, हनन करो। ओम उसे जलाओ, जलाओ। ओम पकाओ, पकाओ। ओम काटो, काटो। ओम मारो, मारो। ओम उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको। ओम समस्त प्राणियों को वश में करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली, हुम फट स्वाहा। अंगन्यास। ओम मारी हृदय नमः। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की मध्यमा, अनामिका और तर्जनी उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम महामारी शिर से स्वाहा। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ से सिर का स्पर्श करें। ओम काल रात्रि शिखाए वोषट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ के अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। ओम कृष्ण वर्णे खह कवचाय हुम। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से बाई भुजा का और बाएं हाथ की पांचों उंगलियों से दाहिनी भुजा का स्पर्श करें। ओम तारकाक्षी विद्युज्वेहे सर्व सत्व भयंकरी रक्ष रक्ष सर्व कार्य शूर्यम त्रिनेत्राय वशट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्र भाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ओम महामारी सर्वभूत दमिनी महाकाली अस्त्राय हुम फट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर एवं बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आएं और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। महादेवी, साधक को ये अंग न्यास अवश्य करना चाहिए। वह मुर्दे पर का वस्त्र लाकर उसे चौकोर फाड़ ले। उसकी लंबाई चौड़ाई तीन तीन हाथ की होनी चाहिए। उसी वस्त्र पर अनेक प्रकार के रंगों से देवी की एक आकृति बनावे जिसका रंग काला हो। वह आकृति तीन मुख और चार भुजाओं से युक्त होनी चाहिए। देवी की यह मूर्ति अपने हाथों में धनुष, शूल, कतरनी और खडवांग खाट का पाया धारण किए हुए हो। उस देवी का पहला मुख पूर्व दिशा की ओर हो और अपनी काली आभा से प्रकाशित हो रहा हो तथा ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही वे अपने सामने पड़े हुए मनुष्य को खा जाएगी। दूसरा मुख दक्षिण भाग में होना चाहिए। उसकी जीभ लाल हो और वह देखने में भयानक जान पड़ता हो। वह विकराल मुख अपनी दाढ़ों के कारण अत्यंत उत्कट और भयंकर हो और जीभ से दो गलफड़ चाट रहा हो। साथ ही ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही ये घोड़े आदि को खा जाएगा। देवी का तीसरा मुख पश्चिमाभिमुख हो। उसका रंग सफेद होना चाहिए। वह ऐसा जान पड़ता हो कि सामने पड़ने पर हाथी आदि को भी खा जाएगा। गंध पुष्प आदि उपचारों तथा घी मधु आदि नैवेद्यों द्वारा उसका पूजन करें। पूर्वोक्त मंत्र का स्मरण करने मात्र से नेत्र और मस्तक आदि का रोग नष्ट हो जाता है। यक्ष और राक्षस भी वश में हो जाते हैं और शत्रुओं का नाश हो जाता है। यदि मनुष्य क्रोध युक्त होकर निम्ब वृक्ष की समिधाओं को होम करे तो उस होम से ही वे अपने शत्रु को मार सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि शत्रु की सेना की ओर मुख करके एक सप्ताह तक इन समिधाओं का हवन किया जाए तो शत्रु की सेना नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाती है और उसमें भगदड़ मच जाती है। जिसके नाम से 8000 उक्त समिधाओं का होम कर दिया जाए, वे यदि ब्रह्मा जी के द्वारा सुरक्षित हो तो भी शीघ्र ही मर जाता है। यदि धतूरे की 1000 समिधाओं को रक्त और विष से संयुक्त करके 3 दिन तक उनका होम किया जाए तो शत्रु अपनी सेना के साथ ही नष्ट हो जाता है। राई और नमक से होम करने पर 3 दिन में ही शत्रु की सेना में भगदड़ पड़ जाएगी, शत्रु भाग खड़ा होगा। यदि उसे गधे के रक्त से मिश्रित करके होम किया जाए तो साधक अपने शत्रु का उच्चाटन कर सकता है, वहां से भागने के लिए उसके मन में उचाट पैदा कर सकता है। कौए के रक्त से संयुक्त करके हवन करने पर शत्रु को उखाड़ फेंका जा सकता है, साधक उसके वध में समर्थ हो सकता है तथा साधक के मन में जो जो इच्छा होती है उन सब इच्छाओं को वह पूर्ण कर लेता है। युद्ध काल में साधक हाथी पर आरूढ़ हो 2 कुमारियों के साथ रहकर
पूर्वोक्त मंत्र द्वारा शरीर को सुरक्षित कर ले, फिर दूर के शंख आदि वादियों को पूर्वोक्त महामारी विद्या से अभिमंत्रित करे। तदंतर महामाया की प्रतिमा से युक्त वस्त्र को लेकर समरांगन में ऊंचाई पर फहराएं और शत्रु सेना की ओर मुंह करके उस महान पट को उसे दिखाए। तत्पश्चात वहां कुमारी कन्याओं को भोजन करावे, फिर पिंडी को घुमाए। उस समय साधक ये चिंतन करे कि शत्रु की सेना पाषाण की भांति निश्चल हो गई है। वे ये भी भावना करे कि शत्रु की सेना में लड़ने का उत्साह नहीं रह गया है, उसके पांव उखड़ गए हैं और वे बड़ी घबराहट में पड़ गई है। इस प्रकार करने से शत्रु की सेना का स्तंभन हो जाता है, वह चित्र लिखित की भांति खड़ी रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती। यह मैंने स्तंभन का प्रयोग बताया है, इसका जिस किसी भी व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। ये तीनों लोकों पर विजय दिलाने वाली देवी माया कही गई है और इसकी आकृति से अंकित वस्त्र को माया पट कहा गया है। इसी तरह दुर्गा, भैरवी, कुब्जिका, रुद्रदेव तथा भगवान नृसिंह की आकृति का भी वस्त्र पर अंकन किया जा सकता है। इस तरह की आकृतियों से अंकित पट आदि के द्वारा भी यह स्तंभन का प्रयोग सिद्ध हो सकता है। तंत्र विषयक 6 कर्मों का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, सभी मंत्रों के साध्य रूप से जो 6 कर्म कहे गए हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। शांति, वश्य, स्तंभन, द्वेष, उच्चाटन और मारण, ये 6 कर्म हैं। इन सभी कर्मों में 6 संप्रदाय अथवा विन्यास होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पल्लव, योग, रोधक, संपुट, ग्रंथन तथा विदर्भ। भोजपत्र आदि पर पहले जिसका उच्चाटन करना हो उस पुरुष का नाम लिखें, उसके बाद उच्चाटन संबंधी मंत्र लिखें। लेखन के इस क्रम को पल्लव नामक विन्यास या संप्रदाय समझना चाहिए, यह उच्च कोटि का महान उच्चाटनकारी प्रयोग है। आदि में मंत्र लिखा जाए, फिर साध्य व्यक्ति का नाम अंकित किया जाए, यह साध्य बीच में रहे। इसके लिए अंत में पुनः मंत्र का उल्लेख किया जाए। इस क्रम को योग नामक संप्रदाय कहा गया है। शत्रु के समस्त कुल का संहार करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। पहले मंत्र का पद लिखें, बीच में साध्य का नाम लिखें, अंत में फिर मंत्र लिखें, फिर साध्य का नाम लिखें, तत्पश्चात पुनः मंत्र लिखें। यह रोधक संप्रदाय कहा गया है। स्तंभन आदि कर्मों में इसका प्रयोग करना चाहिए। मंत्र के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं और बीच में भी साध्य का नामोल्लेख करें, इसे संपुट समझना चाहिए। वश्याकर्षण कर्म में इसका प्रयोग करें। जब मंत्र का एक अक्षर लिखकर फिर साध्य के नाम का एक अक्षर लिखा जाए और इस प्रकार बारी बारी से दोनों के एक एक अक्षर को लिखते हुए मंत्र और साध्य के अक्षरों को परस्पर ग्रथित कर दिया जाए तो यह ग्रंथन नामक संप्रदाय है। इसका प्रयोग आकर्षण या वशीकरण करने वाला है। पहले मंत्र का 2 अक्षर लिखें, फिर साध्य का 1 अक्षर। इस तरह बार बार लिखकर दोनों को पूर्ण करें। यदि मंत्राक्षरों के बीच में ही समाप्ति हो जाए तो दोबारा उनका उल्लेख करें। इसे विदर्भ नामक संप्रदाय समझना चाहिए तथा वशीकरण एवं आकर्षण के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। आकर्षण आदि जो मंत्र हैं उनका अनुष्ठान वसंत ऋतु में करना चाहिए। ताप ज्वर के निवारण, वशीकरण तथा आकर्षण कर्म में स्वाहा का प्रयोग शुभ होता है। शांति और वृद्धि कर्म में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए। पौष्टिक कर्म, आकर्षण और वशीकरण में वशटकार का प्रयोग करें। विद्वेषण, उच्चाटन और मारण आदि अशुभ कर्म में पृथक फट पद की योजना करनी चाहिए। लाभ आदि में तथा मंत्र की दीक्षा आदि में वशटकार ही सिद्धिदायक होता है। मंत्र की दीक्षा देने वाले आचार्य में यमराज की भावना करके इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु, आप यम हैं, यमराज हैं, काल रूप हैं तथा धर्मराज हैं। मेरे दिए हुए इस शत्रु को शीघ्र ही मार गिराइए। तब शत्रुसूदन आचार्य प्रसन्नचित से इस प्रकार उत्तर दे, साधक, तुम सफल हो, मैं यत्न पूर्वक तुम्हारे शत्रु को मार गिराता हूँ। श्वेत कमल पर यमराज की पूजा करके होम करने से यह प्रयोग सफल होता है।
अपने में भैरव की भावना करके अपने ही भीतर कुलेश्वरी भैरवी की भी भावना करे। ऐसा करने से साधक रात में अपने तथा शत्रु के भावी वृतांत को जान लेता है। दुर्ग रक्षिणी दुर्गे, दुर्ग की रक्षा करने वाली अथवा दुर्गम संकट से बचाने वाली देवी, आपको नमस्कार है। इस मंत्र के द्वारा दुर्गा जी की पूजा करके साधक शत्रु का नाश करने में समर्थ होता है। ह स क्ष म ल व र यु म, इस भैरवी मंत्र का जप करने पर साधक अपने शत्रु का वध कर सकता है। 60 संवत्सरों में मुख्य मुख्य के नाम एवं उनके फल भेद का कथन। भगवान महेश्वर कहते हैं, पार्वती अब मैं 60 संवत्सरों में से कुछ के शुभ शुभ फल को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। प्रभव संवत्सर में यज्ञ कर्म की बहुलता होती है। विभव में प्रजा सुखी होती है। शुक्ल में समस्त धान्य प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। प्रमोद से सभी प्रमुदित होते हैं। प्रजापति नामक संवत्सर में वृद्धि होती है। अंगिरा संवत्सर भोगों की वृद्धि करने वाला है। श्रीमुख संवत्सर में जनसंख्या की वृद्धि होती है और भाव संज्ञक संवत्सर में प्राणियों में सद्भाव की वृद्धि होती है। युवा संवत्सर में मेघ प्रचुर वृष्टि करते हैं। धाता संवत्सर में समस्त औषधियां बहुलता से उत्पन्न होती हैं। ईश्वर संवत्सर में क्षेम और आरोग्य की प्राप्ति होती है। बहु धान्य में प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है। प्रमाथी वर्ष मध्यम होता है। विक्रम में अन्न संपदा की अधिकता होती है। वृष संवत्सर संपूर्ण प्रजाओं का पोषण करता है। चित्रभानु विचित्रता और सुभानु कल्याण एवं आरोग्य को उपस्थित करता है। तारण संवत्सर में मेघ शुभकारक होते हैं। पार्थिव में सस्य संपत्ति, अव्यय में अतिवृष्टि, सर्वजित में उत्तम वृष्टि और सर्वधारी नामक संवत्सर में धान्यादि की अधिकता होती है। विरोधी मेघों का नाश करता है, अर्थात अनावृष्टि कारक होता है। विकृति भय प्रदान करने वाला है। खर नामक संवत्सर पुरुषों में शौर्य का संचार करता है। नंदन में प्रजा आनंदित होती है। विजय संवत्सर शत्रु नाशक और जय रोगों का मर्दन करने वाला है। मनमथ में विश्व ज्वर से पीड़ित होता है। दुष्कर्म में प्रजा दुष्कर्म में प्रवृत्त होती है। दुर्मुख संवत्सर में मनुष्य कटुभाषी हो जाते हैं। हेमलम्ब से संपत्ति की प्राप्ति होती है। महादेवी विलम्ब नामक संवत्सर में अन्न की प्रचुरता होती है। विकारी शत्रुओं को कुपित करता है और शार्वरी कहीं कहीं सर्वप्रता होती है। पल्लव संवत्सर में जलाशयों में बाढ़ आती है। शोभन और शुभ कृत में प्रजा संवत्सर के नामाकूल गुण से युक्त होती है। राक्षस वर्ष में लोक निष्ठुर हो जाता है। आनल संवत्सर में विविध धान्यों की उत्पत्ति होती है। पिंगल में कहीं कहीं उत्तम वृष्टि और काल युक्त में धन हानि होती है। सिद्धार्थ में संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। रौद्र वर्ष में विश्व में रौद्र भावों की प्रवृत्ति होती है। दुर्मति संवत्सर में मध्यम वर्षा और दुंदुभि में मंगल एवं धन धान्य की उपलब्धि होती है। रुधिरोद्गारी और रक्ताक्ष नामक संवत्सर रक्तपान करने वाले हैं। क्रोधन वर्ष विजय प्रद है। क्षय संवत्सर में प्रजा का धन क्षीण होता है। इस प्रकार 60 संवत्सरों में से कुछ का वर्णन किया गया है। 140वां अध्याय, वश्य आदि योगों का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद अब मैं वशीकरण आदि के योगों का वर्णन करूंगा। निम्नांकित औषधियों को 16 कोष्ठ वाले चक्र में अंकित करें। भृंगराज भंगरैया, सहदेवी सहदेया, मोर की शिखा, पुत्र जीवक जीवापोता, नामक वृक्ष की छाल, अधः पुष्पा गोजिया, रुदंतिका रुद्रदंती, कुमारी घी कुआर, रुद्र जटा लता विशेष, विष्णु क्रांता अपराजिता, श्वेतार्क सफेद मदार, लज्जा लुका लाजवंती लता, मोहलता त्रिपुरमाली, काला धतूरा, गोरक्षक करकटी, गोरख ककड़ी या गुरुमही, मेष श्रृंगी मेढ़ा सिंगी तथा स्नुही सेहुड़।
औषधियों के ये भाग प्रदक्षिण क्रम से ऋत्विज 16, वह 3, नाग 8, पक्ष 2, मुनि 7, मनु 14, शिव 11, वसुदेवता 8, दिशा 10, शर 5, वेद 4, ग्रह 9, ऋतु 6, सूर्य 12, चंद्रमा 1 तथा तिथि 15। इन सांकेतिक नामों और संख्याओं से ग्रहित होते हैं प्रथम चार औषधियों का अर्थात भंगरैया, सहदेया, मोर की शिखा और पुत्र जीवक की छाल। इनका चूर्ण बनाकर इनसे धूप का काम लेना चाहिए अथवा इन्हें पानी के साथ पीसकर उत्तम उपटन तैयार कर ले और उसे अपने अंगों में लगावे। तीसरे चतुष्क चौक अर्थात अपराजिता, श्वेतार्क, लाजवंती लता और मोहलता, इन चार औषधियों से अंजन तैयार करके उसे नेत्र में लगावे तथा चौथे चतुष्क अर्थात काला धतूरा, गोरख ककड़ी, मेढ़ा सिंगी और सेहुड़, इन चार औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करना चाहिए। भृंगराज वाले चतुष्क के बाद का जो द्वितीय चतुष्क अर्थात अध्य पुष्पा, रुद्र दंती, कुमारी तथा रुद्र जटा नामक औषधियां हैं, उन्हें पीसकर अनुलेप या उपटन लगाने का विधान है। अध्य पुष्पा को दाहिने पार्श्व में धारण करना चाहिए तथा लाजवंती आदि को वाम पार्श्व में, मयूर शिखा को पैर में तथा घृत कुमारी को मस्तक पर धारण करना चाहिए। रुद्र जटा, गोरख ककड़ी और मेहरा श्रृंगी, इनके द्वारा सभी कार्यों में धूप का काम लिया जाता है। इन्हें पीसकर उपटन बनाकर जो अपने शरीर में लगाता है वह देवताओं द्वारा भी सम्मानित होता है। भृंगराज आदि चार औषधियां जो धूप के उपयोग में आती हैं, ग्रहादि जनित बाधा दूर करने के लिए उनका उद्वर्तन के कार्य में भी उपयोग बताया गया है। युगादि से सूचित लज्जा लुका आदि औषधियां अंजन के लिए बताई गई हैं। बाण आदि से सूचित श्वेतार्क आदि औषधियां स्नान कर्म में उपयुक्त होती हैं। घृत कुमारी आदि औषधियां भक्षण करने योग्य कही गई हैं और पुत्र जीवक आदि से संयुक्त जल का पान बताया गया है। ऋत्विक भंगरैया, वेद लाजवंती, ऋतु काला धतूरा तथा नेत्र पुत्र जीवक, इन औषधियों से तैयार किए हुए चंदन का तिलक सब लोगों को मोहित करने वाला होता है। सूर्य गोरख ककड़ी, त्रिदश काला धतूरा, पक्ष पुत्र जीवक और पर्वत अधा पुष्पा, इन औषधियों का अपने शरीर में लेप करने से स्त्री वश में होती है। चंद्रमा मेढ़ा सिंगी, इंद्र रुद्र दंतिका, नाग मोर शिखा, रुद्र घी कुआर, इन औषधियों का योनि लेप करने से स्त्रियां वश में होती हैं। तिथि सेहुड़, दिक अपराजिता, युग लाजवंती और बाण श्वेतार्क, इन औषधियों के द्वारा बनाई हुई गुटिका गोली लोगों को वश में करने वाली होती है। किसी को वश में करना हो तो उसके लिए भक्ष्य भोज्य और पेय पदार्थ में इसकी एक गोली मिला देनी चाहिए। ऋत्विक भंगरैया, ग्रह मोहलता, नेत्र पुत्र जीवक तथा पर्वत अधा पुष्पा, इन औषधियों को मुख में धारण किया जाए तो इनके प्रभाव से शत्रुओं के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों का स्तंभन हो जाता है, वे घातक आघात नहीं कर पाते। पर्वत अध्य पुष्पा, इंद्र रुद्र दंती, वेद लाजवंती तथा रंध्र मोहलता, इन औषधियों का अपने शरीर में लेप करके मनुष्य पानी के भीतर निवास कर सकता है। बाण श्वेतार्क, नेत्र पुत्र जीवक, मनु रुद्र दंती तथा रुद्र घी कुआरी, इन औषधियों से बनाई हुई बटी भूख प्यास आदि का निवारण करने वाली होती है। 3 सहदेया, 16 भंगरैया, दिशा अपराजिता तथा बाण श्वेतार्क, इन औषधियों का लेप करने से दुर्भगा स्त्री सुभगा बन जाती है। त्रिशद काला धतूरा, अक्षी पुत्र जीवक तथा दिशा विष्णु क्रांता और नेत्र सहदेया, इन दवाओं का अपने शरीर में लेप करके मनुष्य सर्पों के साथ क्रीड़ा कर सकता है। इसी प्रकार त्रिदश काला धतूरा, अक्षी पुत्र जीवक, शिव
घृत कुमारी और सर्प मयूर शिखा से उपलक्षित दवाओं का लेप करने से स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर सकती है। 7 अधपुष्पा, दिशा अपराजिता, मुनि अधपुष्पा तथा रंध्र मोहलता, इन दवाओं का वस्त्र में लेपन करने से मनुष्य को जुए में विजय प्राप्त होती है। काला धतूरा नेत्र पुत्र जीवक, अब्धि अधपुष्पा तथा मनु रुद्र दंतिका से उपलक्षित औषधियों का लिंग में लेप करके रति करने पर जो गर्भाधान होता है उससे पुत्र की उत्पत्ति होती है। ग्रह मोहलता, अब्धि अधपुष्पा, सूर्य गोरक्ष कर्कटी और त्रिदश काला धतूरा, इन औषधियों द्वारा बनाई गई बटी सबको वश में करने वाली होती है। इस प्रकार ऋत्विक आदि 16 पदों में स्थित औषधियों के प्रभाव का वर्णन किया गया। 36 कोष्ठों में निर्दिष्ट औषधियों के वैज्ञानिक प्रभाव का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं 36 पदों कोष्ठकों में स्थापित की हुई औषधियों का फल बताता हूँ। इन औषधियों के सेवन से मनुष्य का अमरीकरण होता है। ये औषध ब्रह्मा रुद्र तथा इंद्र के द्वारा उपयोग में लाए गए हैं। हरितकी हर्रे, अक्षधात्री आंवला, मरीच गोलमिर्च, पिपली शिफा जटामासी, बहिन भिलावा शुंठी सौंठ, पिपली गुडची गिलोय, वच निम्ब वासक अडूसा, शतमूली शतावरी, सैंधव सेंधा नमक, सिंधुवार कंटकारी कटेरी, गोक्षुर गोखरू, विल्व बेल, पुनर्नवा गधापूर्णा, बला बरियारा, रेण मुंडी रुचक बिजौरा नींबू, भृंग दालचीनी, क्षार खारा नमक या यवक क्षार, परपट पित्त पापड़ा, धन्याक धनिया, जीरक जीरा, शतपुष्पी सौंफ, यवानी अजवाइन, विडंग वायविडंग, खदिर खैर, कृतमाल अमलतास, हल्दी वचा सिद्धार्थ सफेद सरसों, ये 36 पदों में स्थापित औषध हैं। क्रमशः 1-2 आदि संख्या वाले ये महान औषध समस्त रोगों को दूर करने वाले तथा अमर बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, पूर्वोक्त सभी कोष्ठों के औषध शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ने देते हैं और बालों का पकना रोक देते हैं। इनका चूर्ण या इनके रस से भावित बटी अवलेह कषाय काढ़ा लड्डू या गुड़ खंड यदि घी या मधु के साथ खाया जाए अथवा इनके रस से भावित घी या तेल का जिस किसी तरह से उपयोग किया जाए वह सर्वथा मृत संजीवन मुर्दे को भी जिलाने वाला होता है। आधे कर्ष या एक कर्ष भर अथवा आधे पल या एक पल के तोल में इसका उपयोग करने वाला पुरुष यथेष्ट आहार विहार में तत्पर होकर 300 वर्षों तक जीवित रहता है। मृत संजीवनी कल्प में इससे बढ़कर दूसरा योग नहीं है। 9-9 औषधों के समुदाय को एक नवक कहते हैं। इस तरह उक्त 36 औषधों में 4 नवक होते हैं। प्रथम नवक के योग से बनी हुई औषधि का सेवन करने से मनुष्य सब रोगों से छुटकारा पा जाता है। इसी तरह दूसरे तीसरे और चौथे नवक के योग का सेवन करने से मनुष्य रोग मुक्त होता है। इसी प्रकार पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे और छठे शतक के सेवन मात्र से भी मनुष्य निरोग हो जाता है। उक्त 36 औषधियों में 9 चतुष्क होते हैं। उनमें से किसी एक चतुष्क के सेवन से भी मनुष्य के सारे रोग दूर हो जाते हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम और अष्टम कोष्ठ की औषधियों के सेवन से वात दोष से छुटकारा मिलता है। तीसरी बारहवीं छब्बीसवीं और 27वीं औषधियों के सेवन से पित्त दोष दूर होता है तथा 5वीं छठी 7वीं 8वीं और 15वीं औषधियों के सेवन से कफ दोष की निवृत्ति होती है। 34वें 35वें और 36वें कोष्ठ की औषधों को धारण करने से वशीकरण की सिद्धि होती है तथा ग्रह बाधा भूत बाधा आदि से लेकर निग्रह पर्यंत सारे संकटों से छुटकारा मिल जाता है। प्रथम द्वितीय तृतीय
षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, एकादश संख्या वाली औषधियों तथा 32वीं, 15वीं एवं 12वीं संख्या वाली औषधियों को धारण करने से भी उक्त फल की प्राप्ति, वशीकरण की सिद्धि एवं भूतादि बाधा की निवृत्ति होती है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। 36 कोष्ठों में निर्दिष्ट की गई इन औषधियों का ज्ञान जैसे तैसे हर व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। चोर और जातक का निर्णय, शनि दृष्टि, दिन राहु, फणि राहु, तिथि राहु तथा विष्टि राहु के फल और अपराजिता मंत्र एवं औषधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं मंत्र चक्र तथा औषध चक्रों का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाले हैं। जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर चोरी का संदेह हो, उनके लिए किसी वस्तु, वृक्ष, फूल या देवता आदि का नाम बोलें, उस वस्तु के नाम के अक्षरों की संख्या को दुगनी करके एक स्थान पर रखें तथा उस नाम की मात्राओं की संख्या में 4 से गुना करके गुणन फल को दूसरे स्थान पर रखें। पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग दें। यदि कुछ शेष बचे तो वे व्यक्ति चोर है। यदि भाजक से भाज्य पूरा पूरा कट जाए तो ये समझना चाहिए कि वह व्यक्ति चोर नहीं है। अब ये बता रहा हूँ कि गर्भ में जो बालक है वह पुत्र है या कन्या, इसका निश्चय किस प्रकार किया जाए। प्रश्न करने वाले व्यक्ति के प्रश्न वाक्य में जो जो अक्षर उच्चारित होते हैं वे सब मिलकर यदि विषम संख्या वाले हैं तो गर्भ में पुत्र की उत्पत्ति सूचित करते हैं। इसके विपरीत सम संख्या होने पर उस गर्भ से कन्या की उत्पत्ति होने की सूचना मिलती है। प्रश्न करने वाले से किसी वस्तु का नाम लेने के लिए कहना चाहिए। वह जिस वस्तु के नाम का उल्लेख करे, वह नाम यदि स्त्रीलिंग है तो उसके अक्षरों के सम होने पर पूछे गए गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक बाई आंख का काना होता है। यदि वह नाम पुलिंग है और उसके अक्षर विषम हैं, तो पैदा होने वाला बालक दाहिनी आंख का काना होता है। इसके विपरीत होने पर उक्त दोष नहीं होते हैं। स्त्री और पुरुष के नामों की मात्राओं तथा उनके अक्षरों की संख्या में पृथक पृथक 4 से गुणा करके गुणन फल को अलग अलग रखें। पहली संख्या मात्रा पिंड है और दूसरी संख्या वर्ण पिंड। वर्ण पिंड में 3 से भाग दें। यदि सम शेष हो तो कन्या की उत्पत्ति होती है, विषम शेष हो तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। यदि शून्य शेष हो तो पति से पहले स्त्री की मृत्यु होती है और यदि प्रथम मात्रा पिंड में 3 से भाग देने पर शून्य शेष रहे तो स्त्री से पहले पुरुष की मृत्यु होती है। समस्त भाग में सूक्ष्म अक्षर वाले द्रव्यों द्वारा प्रश्न को ग्रहण करके विचार करने से अभीष्ट फल का ज्ञान होता है। अब मैं शनि चक्र का वर्णन करूंगा। जहाँ शनि की दृष्टि हो उस लग्न का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। जिस राशि में शनि स्थित होते हैं उससे 7वीं राशि पर उनकी पूर्ण दृष्टि रहती है, 4थी और 10वीं पर आधी दृष्टि रहती है तथा 1ली, 2री, 8वीं और 12वीं राशि पर चौथाई दृष्टि रहती है। शुभ कर्म में इन सब का त्याग करना चाहिए। जिस दिन का जो ग्रह अधिपति हो उस दिन का प्रथम प्रहर उसी ग्रह का होता है और शेष ग्रह उस दिन के आधे आधे पहर के अधिकारी होते हैं। दिन में जो समय शनि के भाग में पड़ता है उसे युद्ध में त्याग दें। अब मैं तुम्हें दिन में राहु की स्थिति का विषय बता रहा हूँ। राहु रविवार को पूर्व में, शनिवार को वायव्य कोण में, गुरुवार को दक्षिण में, शुक्रवार को अग्नि कोण में, मंगलवार को भी अग्नि कोण में तथा बुधवार को सदा उत्तर दिशा में स्थित रहते हैं। फणि राहु ईशान, अग्नि, नैऋत्य एवं वायव्य कोण में एक एक प्रहर रहते हैं और युद्ध में अपने सामने खड़े हुए शत्रु को आवेष्टित करके मार डालते हैं। अब मैं तिथि राहु का वर्णन करूंगा। पूर्णिमा को अग्नि कोण में राहु की स्थिति होती है और अमावस्या को वायव्य कोण में। सम्मुख राहु शत्रु का नाश करने वाले हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 खड़ी रेखाएं खींचे और फिर इन मूलभूत रेखाओं का भेदन करते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर 3 पड़ी रेखाएं खींचे। इस तरह प्रत्येक दिशा में 3-3 रेखाग्र होंगे। सूर्य जिस राशि पर स्थित हो
उसे सामने वाली दिशा में लिखकर क्रमशः 12 राशियों को प्रदक्षिण क्रम से उन रेखाग्रों पर लिखें। तत्पश्चात क से लेकर ज तक के अक्षरों को सामने की दिशा में लिखें। झ से लेकर द तक के अक्षर दक्षिण दिशा में स्थित रहें। ध से लेकर म तक के अक्षर पूर्व दिशा में लिखे जाएं और य से लेकर ह तक के अक्षर उत्तर दिशा में अंकित हों। ये राहु के गुण या चिन्ह बताए गए हैं। शुक्ल पक्ष में इनका त्याग करें तथा तिथि राहु की सम्मुख दृष्टि का भी त्याग करें। राहु की दृष्टि सामने हो तो हानि होती है, अन्यथा विजय प्राप्त होती है। अब विष्टि राहु का वर्णन करता हूँ। निम्नांकित रूप से 8 रेखाएं खींचे, ईशान कोण से दक्षिण दिशा तक, दक्षिण दिशा से वायव्य कोण तक, वायव्य कोण से पूर्व दिशा तक, वहां से नैऋत्य कोण तक, नैऋत्य कोण से उत्तर दिशा तक, उत्तर दिशा से अग्नि कोण तक, अग्नि कोण से पश्चिम दिशा तक तथा पश्चिम दिशा से ईशान कोण तक। इन रेखाओं पर विष्टि भद्रा के साथ महाबली राहु विचरण करते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीयादि तिथियों में विष्टि राहु की स्थिति ईशान कोण में होती है और सप्तमी आदि तिथियों में दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी आदि में उनकी स्थिति नैऋत्य कोण में होती है और चतुर्थी आदि में उत्तर दिशा में। इस तरह कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष में वायु के आश्रित रहने वाले सम्मुख राहु शत्रुओं का नाश करते हैं। विष्टि राहु चक्र की पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि 8 दिक्पालों, महाभैरव आदि 8 महाभैरवों, ब्रह्मानी आदि 8 शक्तियों तथा सूर्य आदि 8 ग्रहों को स्थापित करें। पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में ब्रह्मानी आदि 8 शक्तियों के 8 अष्टकों की भी स्थापना करें। दक्षिण आदि दिशाओं में वात योगिनी का उल्लेख करें। वायु जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में इन सब के साथ रहकर राहु शत्रुओं का संहार करता है। अब मैं अंगों को सुदृढ़ करने का उपाय बता रहा हूँ। पुष्य नक्षत्र में उखाड़ी हुई अपराजिता मंत्र का जप करके कंठ अथवा भुजा आदि में धारण की हुई शरपुंखिका सरफुंका नामक औषधि विपक्षी के बाणों को लक्ष्य बनने से बचाती है। इसी प्रकार पुष्य में उखाड़ी अपराजिता एवं पाठा नामक औषधि को भी यदि मंत्र पाठ पूर्वक कंठ और भुजाओं में धारण किया जाए तो उन दोनों के प्रभाव से मनुष्य तलवार के वार को बचा सकता है। ग्रह पीड़ा, ज्वर आदि की पीड़ा तथा भूत बाधा आदि के निवारण, इन सभी कर्मों में इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए। कुब्जिका संबंधी न्यास एवं पूजन की विधि। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं कुब्जिका की क्रमिक पूजा का वर्णन करूंगा, जो समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। कुब्जिका वह शक्ति है जिसकी सहायता से राज्य पर स्थित हुए देवताओं ने अस्त्र शस्त्रादि से असुरों पर विजय पाई है। माया बीज ह्रीम तथा हृदयादि 6 मंत्रों का क्रमशः गुह्यांग एवं हाथ में न्यास करें। काली काली यह हृदय मंत्र है। दुष्ट चंडालिका यह शिरो मंत्र है। ह्रीम स्फे स ख क छ ड ओंकारो भैरव यह शिखा संबंधी मंत्र है। भेलखी दूती यह कवच संबंधी मंत्र है। रक्त चंडिका यह नेत्र संबंधी मंत्र है तथा गुह्य कुब्जिका यह अस्त्र संबंधी मंत्र है। अंगों और हाथों में इनका न्यास करके मंडल में यथा स्थान इनका पूजन करना चाहिए। मंडल के अग्नि कोण में कूर्च बीज हूँ, ईशान कोण में शिरो मंत्र स्वाहा, नैऋत्य कोण में शिखा मंत्र वशट, वायव्य कोण में कवच मंत्र हुम, मध्य भाग में नेत्र मंत्र वोषट तथा मंडल की संपूर्ण शिखाओं में अस्त्र मंत्र फट का उल्लेख एवं पूजन करें। 32 अक्षरों से युक्त 32 दल वाले कमल की कर्णिका में स्त्रों ह स क्ष म ल न व ब श ट स च तथा आत्म बीज मंत्र आम का न्यास एवं पूजन करें। कमल के सब ओर पूर्व दिशा से आरंभ करके क्रमशः ब्रह्मानी, महेश्वरी, कौमारी,
वैष्णवी, वाराही, महेंद्री, चामुंडा और चंडिका, महालक्ष्मी का न्यास एवं पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ईशान, पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम में क्रमशः र, व, ल, क, स और ह इनका न्यास और पूजन करें। फिर इन्हीं दिशाओं में क्रमशः कुसुम माला एवं पांच पर्वतों का स्थापन एवं पूजन करें। पर्वतों के नाम है जालंधर, पूर्णगिरि और कामरूप आदि। तत्पश्चात वायव्य, ईशान, अग्नि और नैऋत्य कोण में तथा मध्य भाग में वज्र कुब्जिका का पूजन करें। इसके बाद वायव्य, ईशान, नैऋत्य, अग्नि तथा उत्तर शिखर पर क्रमशः अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, प्रसिद्ध विमल, संयोग विमल तथा समय विमल, इन पांच विमलों की पूजा करें। इन्हीं श्रृंगों पर कुब्जिका की प्रसन्नता के लिए क्रमशः खिंकिनी, षष्ठी, सोपन्ना, सुस्थिरा तथा रत्न सुंदरी का पूजन करना चाहिए। ईशान कोणवर्ती शिखर पर आठ आदिनाथों की आराधना करें। अग्नि कोणवर्ती शिखर पर मित्र की, पश्चिमवर्ती शिखर पर औडीश वर्ष की तथा वायव्य कोणवर्ती शिखर पर षष्ठी नामक वर्ष की पूजा करनी चाहिए। पश्चिम दिशावर्ती शिखर पर गगन रत्न और कवच रत्न की अर्चना की जानी चाहिए। वायव्य, ईशान और अग्नि कोण में ब्रह्म बीज सहित पंचनामा संज्ञक के मर्त्य की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा और अग्नि कोण में पंच रत्न की अर्चना करें। ज्येष्ठा, रौद्री तथा अंतिका, ये तीन संध्याओं की अधिष्ठात्री देवियां भी उसी दिशा में पूजने योग्य हैं। इनके साथ संबंध रखने वाली पांच महावृद्धाएं हैं, उन सबकी प्रणव के उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन 27 अथवा 28 के भेद से दो प्रकार का बताया गया है। चौकोर मंडल में दाहिनी ओर गणपति का तथा बाई ओर वटुक का पूजन करें। ओम एं गुम क्रम गणपतये नमः, इस मंत्र से क्रम गणपति की तथा ओम वटुकाय नमः, इस मंत्र से वटुक की पूजा करें। वायव्य आदि कोणों में चार गुरुओं का तथा 18 षट कोणों में 16 नाथों का पूजन करें। फिर मंडल के चारों ओर ब्रह्मा आदि 8 देवताओं की तथा मध्य भाग में नवमी कुब्जिका एवं कुल्टा देवी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सदा इसी क्रम से पूजा करें। कुब्जिका की पूजा विधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं धर्म, अर्थ, काम तथा विजय प्रदान करने वाली श्रीमती कुब्जिका देवी के मंत्र का वर्णन करूंगा। परिवार सहित मूल मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। करन्यास और अंग न्यास करके संध्या वंदन करें। वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री, ये क्रमशः तीन संध्याएं कही गई हैं। कौली गायत्री। कुलवागीश्वरी, हम आपको जाने, महाकौली के रूप में आपका चिंतन करें। कौली देवी, हमें शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करें। इसके पांच मंत्र हैं, जिनके आदि में प्रणव और अंत में नमः पद का प्रयोग होता है। बीच में पांच नाथों के नाम हैं, अंत में श्री पादुकाम पूजयामी, इस पद को जोड़ना चाहिए। मध्य में देवता का चतुर्थ अंत नाम जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार ये पांचों मंत्र लगभग 18-18 अक्षरों के होते हैं। इन सबके नामों को षष्ठी विभक्ति के साथ संयुक्त करना चाहिए। इस तरह वाक्य योजना करके इनके स्वरूप समझने चाहिए। मैं उन पांचों नाथों का वर्णन करता हूँ। कौलीशनाथ, श्री कंठनाथ, कौलनाथ, गगनानंद नाथ तथा तूर्णनाथ, इनकी पूजा का मंत्र वाक्य इस प्रकार होना चाहिए। ओम कौलीशनाथाय नमस्तस्मय पादुकाम पूजयामि। इनके साथ क्रमशः ये पांच देवियां भी पूजनीय हैं। एक, शुक्ला देवी, जो जन्म से ही कुब्जा होने के कारण कुब्जिका कही गई है। दो, चटुला देवी। तीन, मैत्रिषी देवी, जो विकराल रूप वाली हैं। चार, अतल देवी और पांच, श्री चंद्रा देवी हैं। इन सबके नामों के अंत में देवी पद है। इनके पूजन का मंत्र वाक्य इस प्रकार होगा। ओम शुक्ला देव्य नमस्तस्यै भगात्म पुंगण देव मोहिनी पादुकाम पूजयामि। दूसरी, चुटला देवी की पादुका का ये विशेषण देना चाहिए।
अतीत भुवनानंद रत्नांड्या पादुकां पूजयामि। इसी तरह तीसरी देवी की पादुका का विशेषण ब्रह्म ज्ञानांड्या, चौथी की पादुका का विशेषण कमलांड्या तथा पांचवी की पादुका का विशेषण परम विद्यांड्या देना चाहिए। इस प्रकार विद्या, देवी और गुरु, उपर्युक्त पांच नाथ, इन तीन की शुद्धि त्रिशुद्धि कहलाती है। मैं तुमसे इसका वर्णन करता हूँ। गगनानंद, चटुली, आत्मानंद, पद्मानंद, मणि, कला, कमल, माणिक्य कंठ, गगन, कुमुद, श्री पद्म, भैरवानंद, कमल देव, शिव, भव तथा कृष्ण, ये 16 नूतन सिद्ध हैं। चंद्रपुर, गुल्म, शुभकाम, अतिमुक्तक, वीरकंठ, प्रयोग, कुशल, देव भोगक्र अथवा भोगदायक, विश्वदेव, खड़गदेव, रुद्र, धाता, असी, मुद्रा स्फोट, वंशपुर तथा भोज, ये 16 सिद्ध हैं। इन सिद्धों का शरीर भी 6 प्रकार के न्यासों से नियंत्रित होने के कारण इनके आत्मा के समान जाति का ही सचितानंदमय हो गया है। मंडल में फूल बिखेर कर मंडलों की पूजा करें। अनंत, महान, शिव पादुका, महाव्याप्ति, शून्य, पंच तत्वात्मक मंडल, श्रीकंठ नाथ पादुका, शंकर एवं अनंत की भी पूजा करें। सदाशिव, पिंगल, भृगवानंद, नाथ समुदाय, लांगुलानंद और संवर्त, इन सबका मंडल स्थान में पूजन करें। नेत्रे कोण में श्री महाकाल, पिनाकी, महेंद्र, खडक, नाग, बाण, अघासी, पाप का छेदन करने के लिए खडक रूप, शब्द, वश, आज्ञा रूप और नंद रूप, इनको बलि अर्पित करके क्रमशः इनका पूजन करें। इसके बाद वटुक को अर्घ्य, पुष्प, धूप, दीप, गंध एवं बलि तथा क्षेत्रपाल को गंध, पुष्प और बलि अर्पित करें। बलि के अंत में दाएं बाएं तथा सामने त्रिकूट का पूजन करें। इसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ह्रीम ह्रूम हां श्री त्रिकुटाय नमः। फिर बाएं निशानाथ की, दाहिने तमोरीनाथ या सूर्यनाथ इनकी तथा सामने काला नल की पादुकाओं का यजन पूजन करें। तदंतर उड्यान, जालंधर, पूर्णगिरी तथा कामरूप का पूजन करना चाहिए। फिर गगनानंद देव, वर्ग सहित स्वर्गानंद देव, परमानंद देव, सत्यानंद देव की पादुका तथा नागानंद देव की पूजा करें। इस प्रकार वर्ग नामक पंच रत्न का तुमसे वर्णन किया गया है। उत्तर और ईशान कोण में इन 6 की पूजा करें। सुरनाथ की पादुका की, श्रीमान समय कोटि ईश्वर की, विद्या कोटि ईश्वर की, कोटीश्वर की, बिंदु कोटीश्वर की तथा सिद्ध कोटीश्वर की। अग्नि कोण में 4 सिद्ध समुदाय की तथा अमरीशेश्वर, चक्रीशेश्वर, कुरंगेश्वर, वर्त्रेश्वर तथा चंद्रनाथ या चंद्रेश्वर की पूजा करें। इन सबकी गंध आदि पंचोपचारों से पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, योगीश विमल, सिद्ध विमल और समय विमल, इन 5 विमलों का पूजन करें। नैऋत्य कोण में 4 वेदों का, कंदर्पनाथ का, पूर्वोक्त संपूर्ण शक्तियों का तथा कुब्जिका की श्री पादुका का पूजन करें। इनमें कुब्जिका की पूजा ओम राम ह्रीम कुब्जिकाय नमः इस नवाक्षर मंत्र से अथवा केवल 5 प्रणव रूप मंत्र से करें। पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण पर्यंत ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, निवृत्ति, अनंत, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान, इन 10 दिक्पालों की पूजा करें। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, अनवद्य विष्णु तथा शिव की पूजा सदा ही करनी चाहिए। ब्रह्मानी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुंडा तथा महालक्ष्मी, इनकी पूजा पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः करें। तदंतर वायव्य कोण से 6 उग्र दिशाओं में क्रमशः डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी तथा याकिनी, इनकी पूजा करें। तत्पश्चात ध्यान पूर्वक कुब्जिका देवी का पूजन करना चाहिए। 32 व्यंजन अक्षर ही उनका शरीर है। उनके पूजन में 5 प्रणव अथवा ह्रीम का
बीज रूप से उच्चारण करना चाहिए, यथा ओम 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 कुब्जिकाय नमः, अथवा ओम ह्रीम कुब्जिकाय नमः। देवी की अंग कांति नील कमल दल के समान श्याम है। उनके 6 मुख हैं और उनकी मुख कांति भी 6 प्रकार की है। वे चैतन्य शक्ति स्वरूपा हैं। अष्टादशाक्षर मंत्र द्वारा उनका प्रतिपादन होता है। उनके 12 भुजाएं हैं। वे सुख पूर्वक सिंहासन पर विराजमान हैं। प्रेत पद्म के ऊपर बैठी हैं। वे सहस्त्रों कोटि कुलों से संपन्न हैं। करकोटक नामक नाग उनकी मेखला करधनी है। उनके मस्तक पर तक्षक नाग विराजमान है। वासुकी नाग उनके गले का हार है। उनके दोनों कानों में स्थित कुलिक और कूर्म नामक नाग कुंडल मंडल बने हुए हैं। दोनों भौहों में पद्म और महापद्म नामक नागों की स्थिति है। बाएं हाथों में नाग, कपाल, अक्षसूत्र, खटवांग, शंख और पुस्तक हैं। दाहिने हाथों में त्रिशूल, दर्पण, खड़क, रत्नमयी माला, अंगकुश तथा धनुष हैं। देवी के 2 मुख ऊपर की ओर हैं, जिनमें एक तो पूरा सफेद है और दूसरा आधा सफेद है। उनका पूर्ववर्ती मुख पांडु वर्ण का है, दक्षिणवर्ती मुख क्रोध युक्त जान पड़ता है, पश्चिम वाला मुख काला है और उत्तरवर्ती मुख हिम कुंद एवं चंद्रमा के समान श्वेत है। ब्रह्मा उनके चरण तल में स्थित है। भगवान विष्णु जगन स्थल में विराजमान है। रुद्र हृदय में, ईश्वर कंठ में, सदाशिव ललाट में तथा शिव उनके ऊपरी भाग में स्थित है। कुब्जिका देवी झूमती हुई सी दिखाई देती है। पूजा आदि कर्मों में कुब्जिका का ऐसा ही ध्यान करना चाहिए। मालिनी आदि नाना प्रकार के मंत्र और उनके शोधान्यास। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं 6 प्रकार के न्यास पूर्वक नाना प्रकार के मंत्रों का वर्णन करूंगा। ये 6 प्रकार के न्यास शांभव, शाक्त तथा यामल के भेद से 3-3 प्रकार के होते हैं। शांभव न्यास में षट षोडश ग्रंथि रूप शब्द राशि प्रथम है, 3 विद्याएं और उनका ग्रहण द्वितीय न्यास है, त्रितत्वात्मक न्यास तीसरा है, वनमाला न्यास चौथा है, ये 12 श्लोकों का है। रत्न पंचक का न्यास 5वां है और नवाक्षर मंत्र का न्यास 6ठा कहा गया है। शाक्त पक्ष में मालिनी का न्यास प्रथम, त्रिविद्या का न्यास द्वितीय, अघोर्यष्टक का न्यास तृतीय, द्वादशांग न्यास चतुर्थ, षडंग न्यास पंचम तथा अस्त्र चंडिका नामक शक्ति का न्यास 6ठा है। क्लीम क्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्रूम फट, इन 6 बीज मंत्रों का जो 6 प्रकार का न्यास है, यही तीसरा अर्थात यामल न्यास है। इन 6 में से चौथा श्रीम बीज का न्यास है। वे संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। 9 से लेकर 10 तक जो न्यास बताया जाता है, वे सब मालिनी का ही न्यास है। 9 से आरंभ होने वाली अथवा नाद करने वाली शक्ति का न्यास शिखा में करना चाहिए। अ ग्रसनी शक्ति तथा श शिरोमाला निवृत्ति शक्ति का स्थान सिर में है, अतः वहीं उसका न्यास करें। ट शांति का प्रतीक है, इसका न्यास भी सिर में ही होगा। च चामुंडा का प्रतीक है, इसका न्यास नेत्र त्रय में करना चाहिए। ड प्रिय दृष्टि स्वरूप है, इसका न्यास नेत्र द्वय में करना चाहिए। गृह शक्ति का प्रतीक है नी, इसका न्यास नासिका द्वय में करें। न नारायणी रूप है, इसका स्थान दोनों कानों में है। त मोहिनी रूप है, इसका स्थान केवल दाहिने कान में है। ज प्रज्ञा का प्रतीक है, इसकी स्थिति बाएं कान में बताई गई है। वज्रिणी देवी का स्थान मुख में है। क कराली शक्ति का प्रतीक है, इसकी स्थिति दाहिनी दृष्टा दाढ़ में है। ख कपालिनी रूप है, वह बाएं कंधे पर स्थापित होने के योग्य है। ग शिवा का प्रतीक है, इसका स्थान ऊपरी दाढ़ों में है। घ घोरा शक्ति का सूचक है, इसकी स्थिति बाईं दाढ़ में मानी गई है। उ शिखा शक्ति का सूचक है, इसका स्थान दांतों में है। ई माया का प्रतीक है,
जिसका स्थान जिह्वा के अंतर्गत माना गया है। और नागेश्वरी रूप है, इसका न्यास वाक इंद्रिय में होना चाहिए। वह शिखी वाहिनी का बोधक है, इसका स्थान कंठ में है। भौ के साथ भीषणी शक्ति का न्यास दाहिने कंधे में करें। म के साथ वायु वेग का न्यास बाएं कंधे में करें। ड अक्षर और नामक शक्ति का दाहिनी भुजा में तथा ढ अक्षर एवं विनायका देवी का बाई भुजा में न्यास करें। प एवं पूर्णिमा का न्यास दोनों हाथों में करें। प्रणव सहित ओंकार शक्ति का दाहिने हाथ की अंगुलियों में तथा अंग सहित दर्शनी बाएं हाथ की अंगुलियों में न्यास करें। अह एवं संजीवनी शक्ति का हाथ में न्यास करें। ट अक्षर सहित कपालिनी शक्ति का स्थान कपाल है। त सहित दीपनी की स्थिति शूल दंड में है। जयंती की स्थिति त्रिशूल में है। य सहित साधिनी देवी का स्थान वृद्धि है। श अक्षर के साथ परामाख्या देवी की स्थिति जीव में है। ह अक्षर सहित अंबिका देवी का न्यास प्राण में करना चाहिए। छ अक्षर के साथ शरीरा देवी का स्थान दाहिने स्तन में है। न सहित पूतना की स्थिति पाए स्तन में बताई गई है। अ सहित अमोटी का स्तन दुग्ध में। थ सहित लंबोदरी का उदर में। क्ष सहित सहारिका का नाभि में तथा म सहित महाकाली का नितंब में न्यास करें। स अक्षर सहित कुसुम माला का गुह्य देश में। श सहित शुक्र देवी का शुक्र में। त सहित तारा देवी का दोनों उरुओं में तथा द सहित ज्ञानक शक्ति का दाहिने घुटने में न्यास करें। औ सहित क्रिया शक्ति का बाएं घुटने में। ओ सहित गायत्री देवी का दाहिनी जंघा पिंडली में। ओम सहित सावित्री का बाई जंघा में तथा द सहित दोहिनी का दाहिने पैर में न्यास करें। फ सहित फेतकारी का बाएं पैर में न्यास करना चाहिए। मालिनी यंत्र 9 अक्षरों से युक्त होता है। अ सहित श्रीकंठ का शिखा में। आ सहित अनंत का मुख में। ई सहित सूक्ष्म का दाहिने नेत्र में। ई सहित त्रिमूर्ति का बाएं नेत्र में। उ सहित अमरीश का दाहिने कान में तथा उ सहित अर्धांशक का बाएं कान में न्यास करें। रि सहित भावभूति का दाहिने नासाग्र में। रि सहित तिथिश का वाम नासाग्र में। लृ सहित स्थाणु का दाहिने गाल में तथा लृ सहित हर का बाएं गाल में न्यास करें। ए अक्षर सहित कटीश का नीचे की दंत पंक्ति में। ऐ सहित भूतीश का ऊपर की दंत पंक्ति में। ओ सहित सद्योजात का नीचे के ओष्ठ में तथा औ सहित अनुग्रहीश या अनुग्रहेश का ऊपर के ओष्ठ में न्यास करें। अंग सहित क्रूर का गले की घाटी में। अह सहित महासेन का जिव्या में। क सहित क्रोधीश का दाहिने कंधे में तथा ख सहित चंडीश का बाहुओं में न्यास करें। ग सहित पंचांतक का कर्पूर में। घ सहित शिखी का दाहिने कंकड़ में। ण सहित एक पाद का दाई अंगुलियों में तथा च सहित कूर्मक का बाएं कंधे में न्यास करें। छ सहित एक नेत्र का बाहु में। ज सहित चतुर्मुख का कर्पूर या कोहनी में। झ सहित राजस का वाम कंकड़ में तथा ण सहित सर्व कामत का बाई अंगुलियों में न्यास करें। ट सहित सोमेश्वर का नितंब में। ठ सहित लांगली का दक्षिण उरु दाहिनी जांघ में। ड सहित दारुक का दाहिने घुटने में तथा ढ सहित अर्धजलेश्वर का पिंडली में न्यास करें। ण सहित उमाकांत का दाहिने पैर की उंगलियों में। त सहित आषाढ़ी का नितंब में। थ सहित दंडी का वाम उरु बाई जांघ में तथा द सहित भित का बाएं घुटने में न्यास करें। ध सहित मीन का बाई पिंडली में। न सहित मेष का बाएं पैर की उंगलियों में। प सहित लोहित का दाहिनी कुक्षी में तथा फ सहित शिखी का बाई कुक्षी में न्यास करें। ब सहित गलंड का पृष्ठवंश में। भ सहित द्विरंड का नाभि में। म सहित महाकाल का हृदय में तथा य सहित वाणीश का त्वचा में न्यास बताया गया है। र सहित
भुजंगेश का रक्त में, ल सहित पिनाकी का मांस में, व सहित खंगीश का अपने आत्मा शरीर में, तथा श सहित वक का हड्डी में न्यास करें, श सहित श्वेत का मज्जा में, स सहित भृगु का शुक्र एवं धातु में, ह सहित नकुलीश का प्राण में, तथा क्ष सहित संवर्त का पंचकोशों में न्यास करना चाहिए। ह्रीम बीज से रुद्र शक्तियों का पूजन करके उपासक संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। त्रिखंडी मंत्र का वर्णन, पीठ स्थान पर पूजनीय शक्तियों तथा आठ अष्टक देवियों का कथन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर से संबंध रखने वाली त्रिखंडी का वर्णन करूंगा। ब्रह्म खंड में रुद्र मंत्र संबंधी 121 अक्षर हैं। यथोचित अक्षर वाले पदों के दूसरे मंत्र खंड को विष्णु खंड पद कहा गया है। महेश्वर खंड 31 पदों का है, इसमें 171 अक्षर हैं। इन तीनों खंडों को त्रिखंडी कहते हैं। इस त्रिखंडी मंत्र के आदि और अंत में हेम, घो तथा पांच प्रणव जोड़कर उसका जप एवं पूजन करना चाहिए। हेम गोह श्री कुब्जिकाय नमः, इस मंत्र को त्रिखंडी के पदों की संधियों में जोड़ना चाहिए। अकुलादि त्रिमध्यक, कुलादि त्रिमध्यक, मध्यमादि त्रिमध्यक तथा पाद त्रिमध्यक, ये चार प्रकार के मंत्र पिंड हैं। 3.5 मात्राओं से युक्त प्रणव को आदि में लगाकर इनका जप अथवा इनके द्वारा यजन करना चाहिए। तदंतर भैरव के शिखा मंत्र का जप एवं पूजन करें। ओम क्षोम शिखा भैरवाय नमः, इस्खाम स्खीम स्खें, ये 3 सबीज त्र्यक्षर हैं। राम ह्रीम ह्रेम, ये निर्बीज त्र्यक्षर हैं। विलोम क्रम से क्ष से लेकर क तक के 32 अक्षरों की वर्णमाला अकुला कही गई है। अनुलोम क्रम से गणना होने पर वे सकुला कही जाती है। शशिनी, भानुनी, पावनी, शिव, गंधारी, न पिंडाक्षी, चपला, गज जीविका, म मृषा, भय सारा, मध्यमा, फ अजरा, य कुमारी, न कालरात्रि, द संकटा, ध कालिका, फ शिवा, ण भव घोरा, ट बिभत्सा, त विद्युता, ठ विशंभरा और शंसिनी अथवा उ विशंभरा, आ शंसिनी, द ज्वाला मालिनी, कराली, दुर्जया, रंगी, वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री, ख काली, क कुलालंबी, अनुलोमा, द पिंडिनी, आ वेदिनी, इ रूपी, वय शांति मूर्ति एवं कलाकुला, री खंगिनी, उ वलिता, लृ कुला, लृ सुभगा, वेद नादिनी और कराली, अंग मध्यमा तथा अह अपेतरया, इन शक्तियों का योग पीठ पर क्रमश पूजन करना चाहिए। स्खं स्खीं स्खो महाभैरवाय नमः, ये महाभैरव के पूजन का मंत्र है। ब्रह्मानी आदि 8 शक्तियों के साथ पृथक 8-8 शक्तियां और हैं, जिन्हें अष्टक कहा गया है। उनका क्रमश वर्णन किया जाता है। अक्षोद्या, ऋक्षकर्णी, राक्षसी, क्षपणा, क्षया, पिंगाक्षी, अक्षया और क्षेमा, यह ब्रह्मानी के अष्टक दल में स्थित होती हैं। इला, लीलावती, नीला, लंका, लंकेश्वरी, लालसा, विमला और माला, ये माहेश्वरी अष्टक में स्थित हैं। हुताशना, विशालाक्षी, हृंकारी, वडवामुखी, हाहारवा, क्रूरा, क्रोधा तथा खरानना बाला, ये 8 कौमारी के शरीर से प्रकट हुई हैं। इनका पूजन करने पर ये संपूर्ण सिद्धियों को देन वाली होती हैं। सर्वज्ञा, तरला, तारा, ऋग्वेदा, हयानना, सारा सारा, स्वयं ग्रहा तथा शाश्वती, ये 8 शक्तियां वैष्णवी के कुल में प्रकट हुई हैं। तालु जिह्वा, रक्ताक्षी, विद्युत जिह्वा, करंकिणी, मेघनादा, प्रचंडोग्रा, कालकर्णी तथा कलीप्रिया, ये वाराही के कुल में उत्पन्न हुई हैं। विजय की इच्छा वाले पुरुष को इनकी पूजा करनी चाहिए। चंपा,
चंपावती, प्रचंपा, ज्वलितानना, पिशाची, पिचुक्वात्रा तथा लोलुपा ये इंद्राणी शक्ति के कुल में उत्पन्न हुई हैं। पावनी, याचनी, वामनी, दमनी, विंदुवेला, बृहत्कुक्षी, विद्युता तथा विश्वरूपिणी ये चामुंडा के कुल में प्रकट हुई हैं और मंडल में पूजित होने पर विजयदायिनी होती हैं। यमजिह्वा, जयंती, दुर्जया, यमांतिका, विडाली, रेवती, जया और विजया ये महालक्ष्मी के कुल में उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार 8 अष्टकों का वर्णन किया गया है। गृहकुब्जिका, नवा त्वरिता तथा दूतियों के मंत्र एवं न्यास पूजन आदि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं गृहकुब्जिका, नवा त्वरिता, दूति तथा त्वरिता के गुह्यांग एवं तत्वों का वर्णन करूंगा। यहाँ नवा त्वरिता बताई गई है, इसे बारंबार जानना जपना चाहिए। इसकी पूजा की जाए तो ये विजयदायिनी होती है। ह्रोम सिंहाय नमः, इस मंत्र से आसन की पूजा करके देवी को सिंहासन समर्पित करें। ह्रीम क्षेत्र हृदयाय नमः बोलकर हृदय का स्पर्श करें। वच्छे शिरसे स्वाहा बोलकर सिर का स्पर्श करें। इस प्रकार ये त्वरिता मंत्र का शिरोन्यास बताया गया है। क्षेम ह्रीम शिखाय वशट, ऐसा कहकर शिखा का स्पर्श करें। क्षेम कवचाय हुम, कहकर दोनों भुजाओं का स्पर्श करें। ह्रूम नेत्र त्रयाय वशट, कहकर दोनों नेत्रों का तथा ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ह्रीम अस्त्राय फट, कहकर ताली बजाएं। हिंकारी, खेचरी, चंडा, छेदनी, क्षोभिणी, क्रिया, क्षेमकारी, हुंकारी तथा फटकारी ये 9 शक्तियां हैं। अब दूतियों का वर्णन करता हूँ। इन सब का पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करना चाहिए। अब पुनः त्वरिता के गुह्यांगों तथा तत्वों का वर्णन करता हूँ। ह्रोम ह्रूम है हृदयाय नमः, इसका हृदय में न्यास करें। ह्रीम है शिरसे स्वाहा, ऐसा कहकर सिर में न्यास करें। भा ज्वल ज्वल शिखाय वशट, कहकर शिखा में। इले रूम रूम कवचाय हुम, कहकर दोनों भुजाओं में। क्रोम क्षूम क्षीम नेत्र त्रयाय वशट, बोलकर नेत्रों में तथा ललाट के मध्य भाग में न्यास करें। क्षौ अस्तराय फट, कहकर दोनों हाथों से ताली बजाएं। अथवा हुम खे वच्छे क्षे ह्रीं क्षे हुम अस्त्राय फट, कहकर ताली बजानी चाहिए। मध्य भाग में हुम स्वाहा लिखे तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः खे सदा शिवे व ईशे छे मनोन्मनी मक्षे तारक्षे प्रीम माधवः क्षेम ब्रह्मः हुम आदित्यः दारुणम फट का उल्लेख एवं पूजन करें। ये 8 दिशाओं में पूजनीय देवता बताए गए हैं। संग्राम विजयदायक सूर्य पूजन का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं संग्राम में विजय देने वाले सूर्य देव की पूजन की विधि बताता हूँ। ओम डे ख ख्याम सूर्याय संग्राम विजयाय नमः, ये मंत्र है। राम ह्रीम ह्रूम ह्रेम ह्रोम ह्रह, ये संग्राम विजय देने वाले सूर्य देव के 6 अंग हैं, अर्थात इनके द्वारा षड अन्यास करना चाहिए। यथा राम हृदयाय नमः, ह्रीम शिरसे स्वाहा, रूम शिखाय वशट, ह्रेम कवचाय हुम, रोम नेत्र त्रयाय वशट, ह्रह अस्त्राय फट, ओम हं खम खखोल काय स्वाहा, ये पूजा के लिए मंत्र है। इस हूम ह्रूम ह्रूम क्रूम ओम ह्रोम क्रेम, ये 6 अंग न्यास के बीज मंत्र हैं। पीठ स्थान में प्रभूत, विमल, सार, आराध्य एवं परम सुख का पूजन करें। पीठ के पायों तथा बीच की 4 दिशाओं में क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य इन 8 की पूजा करें। तदंतर अनंतासन, सिंहासन एवं पद्मासन की पूजा करें। इसके बाद कमल की कर्णिका एवं केसरों की, वहीं सूर्य मंडल, सोम मंडल तथा अग्नि मंडल की पूजा करें। फिर दीप्ता, सूक्ष्मा, जया,
भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता तथा नवी सर्वतोमुखी इन नौ शक्तियों का पूजन करें। तत्पश्चात सत्व, रज और तम का, प्रकृति और पुरुष का, आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का पूजन करें। ये सभी अनुस्वार युक्त आदि अक्षर से युक्त होकर अंत में नमः के साथ चतुर्थीय अंत होने पर पूजा के मंत्र हो जाते हैं, यथा सम सत्वाय नमः, अम अंतरात्मने नमः इत्यादि। इसी तरह उषा, प्रभा, संध्या, साया, माया, बला, बिंदु, विष्णु तथा आठ द्वारपालों की पूजा करें। इसके बाद गंध आदि से सूर्य, चंड और प्रचंड का पूजन करें। इस प्रकार पूजा तथा जप, होम आदि करने से युद्ध आदि में विजय प्राप्त होती है। होम के प्रकार भेद एवं विविध फलों का कथन। भगवान महेश्वर ने कहा, देवी, होम से युद्ध में विजय, राज्य प्राप्ति और विघ्नों का विनाश होता है। पहले कृच्छ व्रत करके देह शुद्धि करें, तदंतर 100 प्राणायाम करके शरीर का शोधन करें, फिर जल के भीतर गायत्री जप करके 16 बार प्राणायाम करें, पूर्वाह्न काल में अग्नि में आहुति समर्पित करें, भिक्षा द्वारा प्राप्त यव निर्मित भोज्य पदार्थ, फल, मूल, दुग्ध, सत्तू और घृत का आहार यज्ञ काल में विहित है। पार्वती, लक्ष होम की समाप्ति पर्यंत एक समय भोजन करें। लक्ष होम की पूर्णाहुति के पश्चात गौ, वस्त्र एवं सुवर्ण की दक्षिणा दें। सभी प्रकार के उत्पातों के प्रकट होने पर 5 या 10 ऋत्विजों से पूर्वोक्त यज्ञ करावे। इस लोक में ऐसा कोई उत्पात नहीं है जो इससे शांत न हो जाए। इससे बढ़कर परम मंगलकारक कोई वस्तु नहीं है। जो नरेश पूर्वोक्त विधि से ऋत्विजों द्वारा कोटि होम कराता है, युद्ध में उसके सम्मुख शत्रु कभी नहीं ठहर सकते हैं। उसके राज्य में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक उपद्रव, टिड्डी दल, शुकोपद्रव एवं भूत राक्षस तथा युद्ध में समस्त शत्रु शांत हो जाते हैं। कोटि होम में 20, 100 अथवा सहस्त्र ब्राह्मणों का वरण करें। इससे यजमान इच्छानुकूल धन वैभव की प्राप्ति करता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य इस कोटि होमात्मक यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह जिस पदार्थ की इच्छा करता है उसको प्राप्त करता है। वह सशरीर स्वर्ग लोक को जाता है। गायत्री मंत्र, ग्रह संबंधी मंत्र, कुष्मांड मंत्र, जात वेदा अग्नि संबंधी अथवा इंद्र, वारुण, वायव्य, याम्य, आग्नेय, वैष्णव, शाक्त, शैव एवं सूर्य देवता संबंधी मंत्रों से होम पूजन आदि का विधान है। अयुत होम से अल्प सिद्धि होती है। लक्ष होम संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है। कोटि होम समस्त क्लेशों का नाश करने वाला और संपूर्ण पदार्थों को प्रदान करने वाला है। यव, धान्य, तिल, दुग्ध, घृत, कुश, प्रसातिका, छोटे दाने का चावल, कमल, खस, बेल और आम्रपत्र होम के योग्य माने गए हैं। कोटि होम में 8 हाथ और लक्ष्य होम में 4 हाथ गहरा कुंड बनावे। अयुत होम, लक्ष्य होम और कोटि होम में घृत का हवन करना चाहिए। मनवंत्रों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं मनवंत्रों का वर्णन करूंगा। सबसे प्रथम स्वयंभुव मनु हुए हैं, उनके आग्नित्र आदि पुत्र थे। स्वयंभुव मनवंतर में यम नामक देवता, औरव आदि सप्तऋषि तथा शतक्रतु इंद्र थे। दूसरे मनवंतर का नाम था स्वरोचिषः, उसमें पारावत और तुषित नामधारी देवता थे। स्वरोचिष मनु के चैत्र और किम पुरुष आदि पुत्र थे। उस समय विपश्चित नामक इंद्र तथा ऊर्ज स्वंत आदि द्विज सप्तऋषि थे। तीसरे मनु का नाम उत्तम हुआ, उनके पुत्र अज आदि थे। उनके समय में सुशांति नामक इंद्र, सुधामा आदि देवता तथा वशिष्ठ के पुत्र सप्तऋषि थे। चौथे मनु तामस नाम से विख्यात हुए। उस समय स्वरूप आदि देवता, शिखरी इंद्र,
ज्योतिर्होम आदि ब्राह्मण सप्त ऋषि थे तथा उनके ख्याति आदि 9 पुत्र हुए। रेवत नामक 5वें मनवंतर में वितथ इंद्र, अमिताभ देवता, हिरण्यरोमा आदि मुनि तथा बलबंद आदि पुत्र थे। 6ठे चाक्षुष मनवंतर में मनोजव नामक इंद्र और स्वाति आदि देवता थे। सुमेधा आदि महर्षि और पुरु आदि मनु पुत्र थे। तत्पश्चात 7वें मनवंतर में सूर्यपुत्र श्राद्ध देव मनु हुए। इनके समय में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता, पुरंदर नामक इंद्र, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भरद्वाज सप्त ऋषि हैं। ये वर्तमान मनवंतर का वर्णन है। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे। इन सभी मनवंतरों में भगवान श्री हरि के अंशावतार हुए हैं। स्वयंभू मनवंतर में भगवान मानस के नाम से प्रकट हुए थे। तदंतर शेष 6 मनवंतरों में क्रमशः अजित, सत्य, हरि, देववर, वैकुंठ और वामन रूप में श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ। छाया के गर्भ से उत्पन्न सूर्य नंदन सावर्णी 8वें मनु होंगे। वे अपने पूर्वज ज्येष्ठ भ्राता श्राद्ध देव के समान वर्ण वाले हैं, इसलिए सावर्णी नाम से विख्यात होंगे। उनके समय में सुतपा आदि देवता, परम तेजस्वी अश्वत्थामा आदि सप्त ऋषि, बलि इंद्र और विरज आदि मनु पुत्र होंगे। 9वें मनु का नाम दक्षसावर्णी होगा। उस समय पार आदि देवता होंगे। उन देवताओं के इंद्र की अद्भुत संज्ञा होगी। उनके समय में सवन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण सप्त ऋषि होंगे और धृत केतु आदि मनु पुत्र। तत्पश्चात 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय सुख आदि देवगण, शांति इंद्र, हविष्य आदि मुनि तथा सुक्षेत्र आदि मनु पुत्र होंगे। तदंतर धर्म सावर्णी नामक 11वें मनु का अधिकार होगा। उस समय विहंग आदि देवता, गण इंद्र, निश्चर आदि मुनि तथा सर्वत्रग आदि मनु पुत्र होंगे। इसके बाद 12वें मनु रुद्र सावर्णी के नाम से विख्यात होंगे। उनके समय में रित धामा नामक इंद्र और हरित आदि देवता होंगे। तपस्या आदि सप्त ऋषि और देववान आदि मनु पुत्र होंगे। 13वें मनु का नाम होगा रौच्य। उस समय सूत्रामणि आदि देवता तथा दिवस्पति इंद्र होंगे, जो दानव दैत्य आदि का मर्दन करने वाले होंगे। रौच्य मनवंतर में निर्मोह आदि सप्त ऋषि तथा चित्रसेन आदि मनु पुत्र होंगे। 14वें मनु भौत्य के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनके समय में शुचि इंद्र, चाक्षुक्ष आदि देवता तथा अग्निबाहु आदि सप्त ऋषि होंगे। 14वें मनु के पुत्र उरु आदि के नाम से विख्यात होंगे। सप्त ऋषि द्विजगण भूमंडल पर वेदों का प्रचार करते हैं। देवगण यज्ञ भाग के भोक्ता होते हैं तथा मनु पुत्र इस पृथ्वी का पालन करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। मनु देवता तथा इंद्र आदि भी उतनी ही बार होते हैं। प्रत्येक द्वापर युग के अंत में व्यास रूपधारी श्री हरि वेद का विभाग करते हैं। आदि वेद एक ही था, जिसमें 4 चरण और 1,00,000 ऋचाएं थी। पहले एक ही यजुर्वेद था, उसे मुनिवर व्यास जी ने 4 भागों में विभक्त कर दिया। उन्होंने अद्वर्यु का काम यजुर्भाग से, होता का कार्य ऋग्वेद की ऋचाओं से, उद्गाता का कर्म साम मंत्रों से तथा ब्रह्मा का कार्य अथर्व वेद के मंत्रों से होना निश्चित किया। व्यास के प्रथम शिष्य पैल थे, जो ऋग्वेद के पारंगत पंडित हुए। इंद्र ने प्रमति और बाशकल को संहिता प्रदान की। बाशकल ने भी बौद्ध आदि को 4 भागों में विभक्त अपनी संहिता दी। व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान वैशंपायन ने यजुर्वेद रूप वृक्ष की 27 शाखाएं निर्माण की। कांड और वाजस ने आदि शाखाओं को याज्ञवल्क्य आदि ने संपादित किया है। व्यास शिष्य जामिनी ने सामवेदी रूप वृक्ष की शाखाएं बनाई। फिर सुमंतु और सुकर्मा ने एक एक संहिता रची। सुकर्मा ने अपने गुरु से 1,000 संहिताओं को ग्रहण किया। व्यास शिष्य सुमंतु ने अथर्व वेद की भी एक शाखा बनाई तथा उसमें पैपल आदि अपने सहस्त्रों शिष्यों को उसका अध्ययन कराया। भगवान व्यास देव जी की कृपा से सूत ने पुराण संहिता का विस्तार किया।
वर्ण और आश्रम के सामान्य धर्म, वर्णों तथा विलोमज जातियों के विशेष धर्म। अग्निदेव कहते हैं, मनु आदि राज ऋषि जिन धर्मों का अनुष्ठान करके भोग और मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनका वरुण देवता ने पुष्कर को उपदेश किया था और पुष्कर ने श्री परशुराम जी से उनका वर्णन किया था। पुष्कर ने कहा, परशुराम जी, मैं वर्ण, आश्रम तथा इनसे भिन्न धर्मों का आपसे वर्णन करूंगा। वे धर्म सब कामनाओं को देने वाले हैं। मनु आदि धर्मात्माओं ने भी उनका उपदेश किया है तथा वे भगवान वासुदेव आदि को संतोष प्रदान करने वाले हैं। भृगुश्रेष्ठ, अहिंसा, सत्य भाषण, दया, संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह, तीर्थों का अनुसरण, दान, ब्रह्मचर्य, मत्सरता का अभाव, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की सेवा, सब धर्मों का श्रवण, पितरों का पूजन, मनुष्यों के स्वामी श्री भगवान में सदा भक्ति रखना, उत्तम शास्त्रों का अवलोकन करना, क्रूरता का अभाव, सहनशीलता तथा आस्तिकता, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, ये वर्ण और आश्रम दोनों के लिए सामान्य धर्म बताए गए हैं। जो इसके विपरीत है वही अधर्म है। यज्ञ करना और कराना, दान देना, वेद पढ़ाने का कार्य करना, उत्तम प्रतिग्रह लेना तथा स्वाध्याय करना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। दान देना, वेदों का अध्ययन करना तथा विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान करना, ये क्षत्रिय और वैश्य के सामान्य कर्म हैं। प्रजा का पालन करना और दुष्टों को दंड देना, ये क्षत्रिय के विशेष धर्म हैं। खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये वैश्य के विशेष कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन द्विजों की सेवा तथा सब प्रकार की शिल्प रचना, ये शूद्र के कर्म हैं। मौंजी बंधन, यज्ञोपवीत संस्कार होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य बालक का द्वितीय जन्म होता है, इसलिए वे द्विज कहलाते हैं। यदि अनुलोम क्रम से वर्णों की उत्पत्ति हो तो माता के समान बालक की जाति मानी गई है। विलोम कर्म से अर्थात शूद्र के वीर्य से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी का पुत्र चांडाल कहलाता है। क्षत्रिय के वीर्य से उत्पन्न होने वाला ब्राह्मणी का पुत्र सूत कहा गया है और वैश्य के वीर्य से उत्पन्न होने पर उसकी वैदेहक संज्ञा होती है। क्षत्रिय जाति की स्त्री के पेट से शूद्र के द्वारा उत्पन्न हुआ विलोमज पुत्र पुक्कस कहलाता है। वैश्य और शूद्र के वीर्य से उत्पन्न होने पर क्षत्रिया के पुत्र की क्रमशः मागध और अयोगव संज्ञा होती है। वैश्य जाति के स्त्री के गर्भ से शूद्र एवं विलोमज जातियों द्वारा उत्पन्न विलोमज संतानों के हजारों भेद हैं। इन सबका परस्पर वैवाहिक संबंध समान जाति वालों के साथ ही होना चाहिए, अपने से ऊंची और नीची जाति के लोगों के साथ नहीं। वध के योग्य प्राणियों का वध करना, यह चांडाल का कर्म बताया गया है। स्त्रियों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के निर्माण से जीविका चलाना तथा स्त्रियों की रक्षा करना, यह वैदेहक का कार्य है। सूतों का कार्य है घोड़ों का सारथीपना। पुक्कस व्याध वृत्ति से रहते हैं तथा मागध का कार्य है स्तुति करना, प्रशंसा के गीत गाना। अयोगव का कर्म है रंग भूमि में उतरना और शिल्प के द्वारा जीविका चलाना। चांडाल को गांव के बाहर रहना और मुर्दे से उतारे हुए वस्त्र को धारण करना चाहिए। चांडाल को दूसरे वर्ण के लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा गौओं की रक्षा के लिए प्राण त्यागना अथवा स्त्री एवं बालकों की रक्षा के लिए देह त्याग करना वर्ण बाह्य चांडाल आदि जातियों की सिद्धि का, उनकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण माना गया है। वर्ण संकर व्यक्तियों की जाति उनके माता पिता तथा जाति सिद्ध कर्मों से जान